करेंगे, हम हर एक मल्टी बैगर जितने हुए हैं लास्ट इतने सालों में एक एक करके पकड़ेंगे, हम समझेंगे कि उसमें से खास बात क्या थी कि वो स्टॉक 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना हुआ। 50 गुना पैसा बनना लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जब बनते बनते जब पैसा 50 गुना होता है तो उसमें बहुत चीजें होती है। कंपनी का मॉडल होता है, वो बिजनेस मॉडल कितना बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है वो देखेंगे। तो एक बेसिक जो मैं हर वक्त अपने यूट्यूब वीडियोज में भी बोलता हूँ, हर वक्त उसकी डिस्कशन भी करता हूँ, वो है कि जो बेस्ट बिजनेस मॉडल वो होता है जो हर साल कैश फेंके। तो ये 1930 में, 1930 में जॉन बुर विलियम्स ने एक थ्योरी बनाई थी, 1932 में उनकी किताब निकली थी, और वो किताब में उन्होंने लिखा था कि जो एक वैल्यू होती है कंपनी की, वो वैल्यू आती है उसके कैश फ्लो से। बाकी सब जो चीज़ें हैं सब यूजलेस बोलते हैं, बोले एक ही चीज़ है कि कैश फ्लो होनी चाहिए, धंधा में पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हिसाब से अगर हम देखेंगे कि अगर हम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम एनालाइज करें कंपनीज को और इवेल्युएट करें कि क्या टाइप की कंपनीज होती है जो कैश फ्लो भेजती है और कैश फ्लो फेंकती है, तो वो अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि बड़े पैसे जो हैं वो उस कंपनीज से बनते हैं जो उसमें कैश फ्लो ज़्यादा होता है। उनके बिजनेस मॉडल कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही चर्चित स्टॉक है टेस्ला, जिसकी हम बात करते हैं काफ़ी बार। तो टेस्ला अगर हम देखें तो टेस्ला में तो मेन चीज़ है कि 2018 से जब कंपनी लॉस दिखा रही थी लेकिन कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई। जब कैश फ्लो पॉजिटिव, अच्छा कैश फ्लो होता क्या है पहले वो समझे। कैश फ्लो ये होता है कि अगर आप हर दिन बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस करते करते आपको ये पता चल रहा है कि हर साल आपका बिजनेस में पैसा लग रहा है कि बिजनेस आपको पैसा वापस दे रहा है। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर हमने कोई दुकान खोला, जो मेरा बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल होता है मिठाई की दुकान, कि हम उधार में खरीदो कैश में बेचो। जब आप उधार में खरीदते हो और कैश में बेचते हो तो आपके पास रुपया जमा होता है। तो अगर आप 1 लाख रुपए का काम कर रहे हैं, आप उधार में खरीद रहे हैं और आप कैश में बेच रहे हैं, तो आपका पैसा जमा हुआ। जब आप 5 लाख का काम करते हो तो आपका और पैसा जमा होगा, बिकॉज आप उधार में खरीद रहे हो और आप कैश में बेच रहे हो। आप 10 लाख रुपए का काम करोगे तो और पैसा जमा होगा लोगों का। तो अमेजोन जो है दुनिया में जो सबसे बड़ी रिटेलिंग ऑनलाइन कंपनी है, उसका बिजनेस मॉडल यही है कि वो उधार में खरीद के कैश में बेचती है। इन द सेंस कि वो जो अपने वेंडर है उनको पेमेंट वो करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इमीडिएट नहीं करती है। और आप अगर अमेजन से कुछ खरीदोगे तो इमीडिएट पैसा देना पड़ेगा। हमारी कंपनी जैसे डीमार्ट है फॉर एग्जांपल, डीमार्ट का उतना कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन उसका मॉडल भी वही है, वो जिससे खरीद रही है उसको 1 महीने बाद पेमेंट करेगी, 7 दिन बाद पेमेंट करेगी या कैश डिस्काउंट लेगी आप। लेकिन डीमार्ट का सामान उठाकर बाहर नहीं निकल सकते जब तक आपने पैसा जमा नहीं दिया। तो डीमार्ट का अगर मैं देखूँ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के एंगल से क्या है, तो पिछले जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक करीब 6 गुना ऊपर हुआ है लिस्टिंग के बाद। आईपीओ प्राइस से स्टॉक 10x ऊपर है और 29% सीएजीआर लास्ट 10 साल का है। तो पिछले 10 साल में तो लो कॉस्ट कंपनीज जो होती है उनका एक खास बात होती है, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, वो बनाती कमोडिटी है लोहा, लेकिन वो जब लोहा बिकता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना कम है और प्लस वो वैल्यू एडेड सामान बेचती है। तो जब आप वैल्यू एडेड सामान बेचते हो और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो आप ज़्यादा पैसा बनाते हो। जेएसडब्ल्यू को स्टील को अगर मैं देखूँ तो पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो 16% टॉपलाइन ग्रोथ की है लगभग लगभग और 10 गुना पैसा बना दिया। श्री सीमेंट एक और लो कॉस्ट प्रोड्यूसर सीमेंट में, उसने क्या किया आप देखेंगे 12-14-15% टॉपलाइन ग्रोथ हुई है लेकिन स्टॉक 5 गुना पैसा बना के दिया आपको। तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर डीमार्ट, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्री सीमेंट, ये भी एक बिजनेस मॉडल होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है कि हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर है? ग्रॉस मार्जिन देखकर आपको पता चलेगा लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है कि हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर होगा। ग्रॉस मार्जिन क्या होती है भाई, ये भी बता दो जरा। तो ग्रॉस मार्जिन ये है कि 100 रुपए का स्टील बनाने में लोहा, कोयला, डायरेक्ट लेबर, वेजेस, जिसको दिहाड़ी मजदूर, जो अगर आप बिजनेस बंद होगा तो उसको छुट्टी कर दोगे, वो अकाउंटेंट नहीं, वो सीएफओ नहीं, वो सीईओ नहीं, वो मार्केटिंग हेड नहीं, क्योंकि तो उसको तो सैलरी मिलेगी कोविड या नो कोविड। लेकिन अगर जो ऐसा इंसान जिसका पेमेंट डायरेक्टली लिंक्ड है प्रोडक्शन के साथ, उसको मैं माइनस करता हूँ तो ग्रॉस मार्जिन आती है। तो हाई ग्रॉस मार्जिन वाली जो कंपनीज होती है मतलब वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो ये 3 हुए लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। मैं रैंडम चलता हूँ, ऐसे ऐसे एक कंपनी लेते हैं हम लोग। आपको एक खास बात बताएंगे कि कई बार क्या होता है, एक कंपनी आप एनालाइज करते करते आपको लगता है ये कंपनी घाटे में है, इसको मैं लूँ कि नहीं, लेकिन अगर वो कैश फ्लो पॉजिटिव दिखा रही है आपको, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हुआ, कितना प्रॉफिट कमाया, उस पर मैं ऐड करूंगा 2-3 चीज़। क्या ऐड करूंगा मैं डिप्रिसिएशन ऐड करूंगा, क्योंकि वो कैश आउटफ्लो है नहीं, वो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। और प्रॉफिट के ऊपर अगर उसने उधार ज़्यादा दिया तो उसका कैश कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, कैश कम हो गया ना धंधे में, क्योंकि आपने उधार दिया लोगों को। जब आप उधार दोगे तो रुपए की लागत होगी। काफ़ी बार हम देखते हैं कपड़े के बाजार में 6 महीने में पेमेंट आता है, तो जब 6 महीने में पेमेंट आएगा, या पेपर के बाजार में 4 महीने में पेमेंट आता है, 4 महीने में पेमेंट आएगा,
और आप अपना टर्नओवर डबल करोगे तो आपको और पैसे चाहिए बिजनेस करने को। तो आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जहां पेमेंट जल्दी आए और आप जिससे खरीद रहे हैं उसको लेट पेमेंट करें। तो ये होता है नेट प्रॉफिट, हमने डिप्रिसिएशन ऐड किया। फिर आप जितना उधार कम दें उतना फायदा है, उतना कैश आपके पास टिकेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि हम जितना लोगों से ज्यादा उधार लेकर रखें, जो एक नॉर्मल गणित में गलत है, जो आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा तो बोलेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो है 2:1 करेंट रेशियो होना चाहिए, मतलब आपके डेटर्स ज्यादा हो, आपके लायबिलिटी कम हो। लेकिन आप शेयर बाजार में आते हैं तो मुझे चाहिए कि मेरे उधारी कम हो और जिसको मेरे को देना हो वो ज्यादा हो, तो मुझे हर वक्त मेरे पास कैश जमा हो। कचौड़ी सब्जी की दुकान, महाजन से उसने लाया सौदा लाया, उसने उसने आलू लाया, लेकिन अब उसके बाद वो पेमेंट जहां आप खाओगे खाते ही आपको पेमेंट करना होगा। कई कई जगह तो पहले कूपन कटा के आना होता अगर आप कहीं बड़े रेस्टोरेंट में घुस गए तो ये हिसाब से आप देखेंगे कि आपके पास कैश जमा होता है। तो अमेजन का बिजनेस मॉडल जो मैं बोल रहा था यही है। अब वो रिटेलिंग से पूरा कैश जमा करता है, पैसा अपने पास इकट्ठा करता है, फिर वो जो पैसा है उससे वो क्लाउड बिजनेस पे जाता है। तो उसका मॉडल ये है कि रिटेलिंग से मुझे पैसा चाहिए। आप रिटेलिंग में मार्जिन देखोगे उसका कट थ्रोट मार्जिन है, कुछ है ही नहीं मार्जिन। और वो पैसा को वो यूज करते हैं आगे जाकर क्लाउड बिजनेस में। आप बर्कशायर की बैलेंस शीट खोल के देखें, 45% उनका जो प्रॉफिट आता है वो आता है, आप समझिए कि 45% प्रॉफिट आता है उनका फ्लोट के इनकम से। फ्लोट के इनकम से प्रॉफिट आता है 45%, मतलब कि क्या हुआ, अगर बिजनेस उनका चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी हिसाब से आप देखें कि अगर वो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का नेट टू नेट भी चल रहे हैं, जितना पैसा आया उतना पैसा गया, लेकिन जो पैसा मेरे पास जमा हुआ वो पैसा, क्योंकि आप प्रीमियम पहले देते हैं उनको क्लेम बाद में देना है, हर वक्त उनके पास पैसा जमा रहेगा, तो वो पैसा उठाकर अगर वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी लगा दें, अगर वो कोई आप समझिए शेयर भी ले लें, पक्का शेयर जो घटे नहीं वैसा टाइप, तो भी आप देखेंगे कि अमेजन को बर्कशायर को उस पर रिटर्न आता है। तो 45% उनका प्रॉफिट इंश्योरेंस से नहीं आता है, 45% उनका प्रॉफिट आता है फ्लोट से, जो लोगों के पैसे पड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ये बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी से काम करती है कि मेरे पास हर वक्त पैसा जमा रहे लोगों का, और वो पैसा से हम बैठे बैठे काफी हद तक हम उस पर रिटर्न बनाए, अपने बेसिक बिजनेस पे रिटर्न कम बेसी बने। और दूसरी बात है, एक और है हिसाब से, अगर आप देखेंगे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर हुआ अपना, ये एंट्री बैरियर हुआ। कई बार क्या होता है बिजनेस मॉडल में, हमको ये देखना है कि आपका बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं। तो ग्रोथ कहाँ से आएगा? ग्रोथ तीन हिसाब से आता है। एक वॉल्यूम ग्रोथ, आप एक्स्ट्रा बेच रहे हो कि नहीं। अब एक्स्ट्रा किसको बेचोगे? अब कई बार कोई कोई कंट्रीज में, कोई कोई कंपनीज में, कोई कोई सेक्टर्स में, बिजनेसेस में ऐसा होता है कि एक लेवल के बाद वॉल्यूम ग्रोथ ठप सा हो जाता है, मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ हो जाता है। जैसे टेलीकॉम में अब नए सिम कार्ड किसको बेचोगे, टूथब्रश किसको बेचोगे, नए टूथब्रश किसको बेचोगे, पॉपुलेशन ग्रोथ पे वॉल्यूम ग्रोथ हो जाता है। कई कई बार जब नई एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जोर से आता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब इंडिया में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल देखेंगे तो टाटा मोटर्स की DVR है, कोई भी, इसमें मैं स्टॉक का नाम ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के हिसाब से ले रहा हूँ, कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं समझना चाहिए आपको कि अब कोई भी है यहाँ पे। आप टाटा मोटर की अगर आप DVR देखेंगे तो वहाँ पे जरूर आप देखेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं। कहाँ से ट्रांजिशन कर रहे हैं लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं नॉर्मल गाड़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। टेस्ला पे वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट होती है। अब ChatGPT अगर पेड हो जाता है तो उसमें वॉल्यूम ग्रोथ कितना आएगा आप समझिए, बिकॉज हर आदमी ChatGPT बैठेगा, देखेगा, सुनेगा, करेगा, तो वहाँ पे फिर एडवांटेज आता है। कई बार जैसे कुछ कुछ कंपनी शुरू शुरू में जब चलती है तो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत जोर से आती है, जैसे आयशर मोटर, उसमें वॉल्यूम ग्रोथ आई बिकॉज रॉयल एनफील्ड जोर से चली। अब अगर मैं आयशर मोटर का देखूं तो उनका कैश फ्लो जो है नेट प्रॉफिट से शुरू में बराबर बढ़ रहा था, उसके बाद कैश फ्लो पिछले 10 साल में आप देखेंगे अगर आयशर मोटर का तो नेट प्रॉफिट से कम बढ़ने लग गया। और उसका भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाता हूँ लेकिन अगर मैं आगे इन्वेस्ट नहीं करता हूँ तो अकाउंटिंग टर्म के लिए तो मैं फ्री कैश फ्लो माना जाऊंगा कि हाँ यार इसके पास फ्री कैश फ्लो है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से देखूं तो ये फ्री कैश फ्लो का मतलब नहीं है, क्योंकि वो रुपए आगे इन्वेस्टमेंट के लिए वो लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप आगे इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए यूज नहीं करते हैं तो वो फिर रिटर्न नहीं बनता। जैसे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है, BKT जिसको हम कहते हैं, वो ट्रैक्टर के टायर बनाते हैं बड़े बड़े, तो वो टायर बनाते बनाते आप देखेंगे अगर पिछले शायद 20 साल में उसे 1500 गुना पैसा दिया, मतलब 1 लाख का 15 करोड़, मतलब 1 लाख रुपए किसी ने लगा दिया तो उसका फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल रिटायरमेंट, हॉलीडे इन स्पेन, हॉलीडे इन ग्रीस, हॉलीडे इन स्विट्जरलैंड सब कुछ हो गया। लेकिन 1 लाख लगाकर वहां तक टिकने की बात खास क्या थी? इसका टॉप लाइन ग्रोथ
20-22% का था पिछले 20 साल में, और कैश फ्लो भी बढ़ता गया। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, इसके पास ज्यादा पैसा बचे लोगों के, और इसीलिए आप देखेंगे बीकेटी का एडवांटेज ये था कि पिछले इतने सालों में जितना इन्होंने बिजनेस बढ़ाया उतना ही लोगों से इन्होंने पैसा जमा लिया। लोगों से मतलब अपने वेंडर से, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए आप देखेंगे, अगर बिना वॉल्यूम ग्रोथ के बीकेटी कर ही नहीं सकती। तो बीकेटी का सबसे बड़ा मार्केट यूरोप है अभी आप देखेंगे तो, बालकृष्ण टायर की बात हो रही है, क्योंकि इनके जो बहुत स्पेशलाइज चीजें हैं, इनके टायर जो होती है, और ये कभी कभी बार आपको देखेंगे आप इंग्लिश प्रीमियर लीग या यूरोपियन फुटबॉल में ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बिकॉज बड़े खेत वहाँ हैं, बड़े ट्रैक्टर वहाँ चलते हैं, 15-15 फीट के टायर वहाँ यूज होते हैं। इंडिया में छोटे खेत है, तो इंडिया इनका मार्केट नहीं है। एक और हिसाब से अगर आप देखेंगे टाइटन इंडस्ट्रीज, इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन ज़्यादा था, ये पैसा ज़्यादा ले रहे हैं लोगों से, लेकिन ये इन्वेस्ट उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन इनका ज़्यादा है। तो टाइटन भी पिछले 20 साल में 1100 गुना बढ़ा। तो आप अगर ये एंगल से देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक और कंसेप्ट अगर मैं आपको बताऊं कि कई बार होता है एंट्री मूवर एडवांटेज बिजनेस में, अगर आप देखेंगे एंट्री मूवर एडवांटेज ये हुआ सबसे पहले कौन दौड़ के बिजनेस स्टार्ट किया। आप सुने होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स ड्रॉप आउट हो गए कॉलेज से, बिकॉज उन्हें था कि मैं अगर जल्दी से काम नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये आई कि बिल गेट्स ने तो काम कर लिया, एक साल का गैप था, उन्हें ये था कि भाई अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर लेगा, तो मैं कॉलेज छोड़ो, कॉलेज तो कभी भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे देश में ये सब नहीं होता है, जो पढ़ रहा है बोलेगा पहले डिग्री लो उसके बाद फिर काम करो। सेकेंड अगर आप देखेंगे अमेजन का, अमेजन 1995 में स्टार्ट हुआ और 2000 में तो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी की तरफ चला गया था, स्टॉक 95% गिरा, फिर रिकवर कर गया, वो भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक था उसके पास। टाइटन को ऑर्गेनाइज ज्वेलरी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, 2001, 2002, 2003 में पैन इंडिया ज्वेलरी मॉडल था ही नहीं किसी के पास, सब अपने अपने लोकलाइज थे। तो आप ईस्टर्न इंडिया रहेंगे तो यहाँ पे एक होता है, वेस्टर्न इंडिया में एक होते हैं, सदर्न इंडिया में एक होता है, बट टाइटन एक था कि मैं तनिष्क को लेकर पूरे इंडिया फैल जाऊँ, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसने लिया। तो ये बिजनेस मॉडल की खास बात होती है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसके पास है, क्या फर्स्ट मूवर का पकड़ सकते हो। टेस्ला जो 2011-12 से गाड़ियां बना रहा है, टेस्ला की खास बात ये मैंने शायद अभी भी आपको बताया कि 2018 में कंपनी लॉस कर रही थी, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस उसका पॉजिटिव हो गया, 2018 से 2020-21 तक वो प्रॉफिट जब तक करने आई स्टॉक ऑलरेडी 10 गुना बढ़ गया था। तो एक लॉस मेकिंग कंपनी अगर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पॉजिटिव है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हुआ, नेट प्रॉफिट पर हमने डिप्रिसिएशन ऐड किया, टैक्स को माइनस किया और वर्किंग कैपिटल का चेंज किया कि भाई जितना उधार कम दे रहा है उतना अच्छा, जितना उधार ले रहा है उतना बढ़िया, वो एडजस्टमेंट करके जब कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास आया तो मुझे लगा कि ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है लेकिन कंपनी लॉस कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लॉस प्रॉफिट में चेंज हो जाएगा। और वही हुआ टेस्ला के साथ, 2018 और 2020-21 जब तक आप प्रॉफिट का वेट किए स्टॉक ऑलरेडी 10 गुना हो गया था, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपको पहले ही बता दिया था 2018 में कि ये कंपनी टर्न अराउंड हो गई है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एक दो गारमेंट कंपनीज है, फैशन कंपनीज है जो बड़े रूप में एक्सपेंशन कर रही है, जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव हो गई है पिछले साल में, लेकिन प्रॉफिट आपको नजर नहीं आएगा। और प्रॉफिट मैं हर वक्त कहता हूँ प्रॉफिट नहीं होने का कारण कुछ भी हो सकता है। कंपनी बोले कि मुझे एडवर्टाइजिंग करना है अगले 2 साल के लिए, मुझे ब्रांड बनाना है, तो एडवर्टाइजिंग करेगी प्रॉफिट गायब हो जाएगा, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो आपको सही पिक्चर हर वक्त देगा। कई बार कंपनी के पास प्राइसिंग पावर बहुत होती है, मतलब वो अपना सामान जो है कोई भी हाल सस्ता नहीं बेचेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लुई विटों देखें, जो बैग बनाते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए के, लेडीज हैंड बैग, बेल्ट वेल्ट सब बनाते हैं वो, उनको अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में उनके स्टॉक में 6 गुना का रिटर्न आया है, 9% का टॉप लाइन है, ओनली 9% टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ टॉप लाइन। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो बाकी कंपनियों में, नेस्ले में सिर्फ 7% का टॉप लाइन हुआ और स्टॉक शायद 4x हुआ है, 4 गुना ही हुआ है, लेकिन लुई विटों में रिटर्न इसलिए ज्यादा आया बिकॉज उसके पास प्राइसिंग पावर थी। तो बिजनेस मॉडल देखते हुए आपको पहले देखना है प्राइसिंग पावर है कि नहीं। प्राइसिंग पावर नॉर्मली क्या होता है, अगर कंपनी में प्राइसिंग पावर जब पता चलेगा जब आपका ग्रॉस मार्जिन हाई होगा, तो ग्रॉस मार्जिन अगर आपका हाई है तो प्राइसिंग पावर है। ग्रॉस मार्जिन मतलब कि 30-40 रुपया का आपका वेरिएबल कॉस्ट, कच्चा माल आपने खरीदा, डायरेक्ट लेबर लगाया, फ्यूल लगाया, कोल बनाया, 30 रुपये का माल खरीद के जब आप 100 रुपये में बेचते हैं तो 30 का माल जब 100 में बिकता है मतलब कि आपके पास प्राइसिंग पावर है, नहीं तो किसी के पास भी इतना दम नहीं है कि 30 रुपये का सामान आप 100 रुपये में बेच पाए। एक और हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लुई विटों नेस्ले का यही हुआ कि उनको प्राइसिंग पावर थी। लुई विटों बैग्स में, शनेल के बैग्स में ये सब कैसा कहा जाता है
कि वो अपना बैग जब बिकता नहीं है तो वो डिस्काउंट पे नहीं बेचते, वो जाकर उसको जला देते हैं। तो आप बोलेंगे यार 3 लाख रुपए में तुम सामान बेचते हो, उसको तुम जला देते हो, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट देकर अपने ब्रांड की वैल्यू कम नहीं करनी है। तो उसीलिए वो सब कंपनीज जो है, आपको रोलेक्स की घड़ी फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपको डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका ब्रांड ये है कि ऊंची महंगी चीज है। कुछ चीजों की फंक्शन उतनी नहीं होती है, मतलब रोलेक्स की घड़ी भी टाइम दिखाएगी और मोबाइल भी आपका टाइम दिखाएगा, और वो जो जोक चलता है ना कि रोलेक्स की घड़ी आपका टाइम दिखाएगा और मोबाइल जो होता है आपको दुनिया का टाइम दिखाएगा। लेकिन खास बात इसमें यह है कि अगर आप रोलेक्स पहन रहे हैं और आपको अगर डिस्काउंट मिल गया ना, तो आपको लगेगा कि यार इसकी वैल्यू नहीं है, मैंने तो इतने में लिया, डिस्काउंट पे क्यों कर दिया। कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपना सामान कभी डिस्काउंट पे नहीं बेचते हैं, और इसलिए नहीं बेचते क्योंकि उनको लगता है मेरे सामान की इतनी कीमत है, मैं डिस्काउंट पे क्यों बेचूं इसको। तो ये अगर आप देखेंगे, कई बार इस सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनीज डिफिकल्टी में भी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप टाइटन देखें, टाइटन अपनी जो घड़ियां बेचता है, नीचे सोनाटा है एकदम जो एंट्री लेवल, और ऊपर नेबुला है जो 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक की बिकती है। तो उसने कभी भी सबको टाइटन बोल के नहीं बेचा, सोनाटा का अलग नाम है, रागा का अलग नाम है, टाइटन अलग नाम है। तो ये अलग अलग इसलिए नाम दिया गया कि सब अगर टाइटन होते तो 500 की भी घड़ी टाइटन और 3 लाख रुपए की घड़ी टाइटन, हम बोलते हैं यार खरीद पहना तो तू टाइटन ही है, 300 का पहने या 3 लाख का पहने। तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि जब ब्रांड में, फॉर एग्जाम्पल रूपा, रूपा अगर अंडरवेयर बना रही है 60 70 100 रुपए की, और वो 400 रुपए की बना दे अगर कल, तो बोलेंगे यार तू पहना तो रुपए ही है, 300 का हो या 30 का हो या 70 का हो। तो ये प्रॉब्लम है, स्टॉक पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कहीं पे भी। अभी हम लोग से बिजनेस मॉडल डिस्कशन में लगे हैं और वही डिस्कस कर रहे हैं कि बिजनेस मॉडल कैसे होना चाहिए। एक और एंगल से अगर मैं देखूं कि खास बात क्या होती है बिजनेस मॉडल में, तो प्राइसिंग पावर के बाद जो नेक्स्ट होता है, जैसे मैं आपको बोल रहा था वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आएगा, तो ग्रोथ कंपनी के 3 हिसाब से आती है। एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ, कितना एक्स्ट्रा आपने बेचा, उसके लिए आपको पॉपुलेशन, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, ये वो चलता है। सेकंड जो होता है, आपको अगर देखेंगे कि कितना एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन, तो कई बार कंपनी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ऑल ओवर इंडिया, आपको लग रहा है कि झारखंड में मैं 200 नए डिस्ट्रीब्यूटर बैठा सकता हूँ, मैं यूपी, वेस्टर्न यूपी में बैठा सकता हूँ, ईस्टर्न यूपी में बैठा सकता हूँ। तो ये हिसाब से आप देखेंगे तो कि आपको कई कई बार कुछ कुछ पॉकेट्स नजर आते हैं जहाँ आपका पेनिट्रेशन नहीं होता है, वहां आप जाके वॉल्यूम ग्रोथ कर देते हैं। तीसरा जो होता है कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का के बाद, वो होता है प्राइसिंग लेड, कि हर साल क्या आप थोड़ा दाम बढ़ा सकते हैं अपने सामान का। अगर आप हर साल थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ा देंगे अपने सामान का, तो वो भी आपको वैल्यू ग्रोथ लाता है, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट को चाहिए सेल्स ग्रोथ। तो ये जो गणित है कि किस ढंग से कंपनीज को एनालाइज करना। एक और एग्जाम्पल जो बहुत चर्चित एग्जाम्पल है, वो है कि अगर आप HUL को देख लें, तो HUL अपने प्राइसिंग पावर, इनपुट का कॉस्ट बढ़ता है वो समय दाम बढ़ा देती है। तो इनपुट का कॉस्ट जब घटता है तो हिंदुस्तान लीवर कभी दाम नहीं घटाती, एशियन पेंट बहुत रेयरली दाम घटाती है, वो बढ़ाती धीरे 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 है लेकिन घटाती नहीं है जल्दी। तो उसके बाद क्या होता है, जब इनपुट कमोडिटी का दाम नीचे होता है तो वो ऊपर में रह जाते हैं अपने प्राइस लेकर, उनका मार्जिन एक्सपेंशन होता रहता है। तो अगर आप HUL देखेंगे तो ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लास्ट 10 साल में HUL का स्टॉक 4 गुना हुआ, टॉप लाइन ग्रोथ वही सिंगल डिजिट में है, कोई सेल्स ग्रोथ कोई 20-25% किया नहीं, लेकिन कंपनी फिर भी 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाती है अगर वो सर्वाइव करे। आप कोलगेट देखिए, पिछले 10 साल में कोलगेट सिर्फ ऑलमोस्ट डबल हुआ है, मतलब रो पिट के स्टॉक डबल हुआ है, मतलब 10 साल में डबल हुआ, तो 10/7 2, अगर मैं 72/10 करूंगा तो 7.2% CAGR होता है, विच इज नथिंग मेरे हिसाब से कोलगेट का। लेकिन अगर हम एक एक कंपनी को एनालाइज करें, उसको उसकी अंडर का निकालें कि भाई इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो बेसिक क्राइटेरिया यही है बिजनेस मॉडल का, लॉन्ग रेंज का, 2 चीज है। एक तो ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ के बगैर तो कुछ नहीं, ग्रोथ है गायत्री मंत्र, आप ग्रोथ बोलते रहिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। सेकंड, ग्रोथ के साथ आपको कैश फ्लो पॉजिटिव चाहिए। अगर ग्रोथ हो रही है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो 3-3 महीने का उधार दे रही है और कैश में खरीद रही है, अच्छा कैश में खरीदेगी और उधार देगी तो क्या होगा, कैश फ्लो उल्टा हो जाएगा, बिकॉज आपको पहले रुपया दीजिए सामान खरीद के लाइए, फिर उधार दीजिए, फिर वो 3 महीने बाद पेमेंट करेगा, फिर इसको आपको पैसा चाहेगा। तो आपके पास हर वक्त उस टाइप के बिजनेस में आप देखेंगे कि रुपया आपका लॉक इन पड़ा रहता है, फंसा रहता है। और वैसे बिजनेस में एक प्रॉब्लम होती है कि जब बुल मार्केट आता है तो ग्रोथ बहुत जबरदस्त आती है। तो 2003 से 2008 हमें पता है रियल एस्टेट स्टॉक्स कितने जोर से चले, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स कितने जोर से चले, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, इन द सेंस कि ग्रोथ जो थी वो
नेगेटिव कैश फ्लो के साथ आ रही थी, मतलब कैश फ्लो उल्टा हो रहा था, आपके आपको पैसा लगाने पड़ रहे थे बिजनेस में और वो ग्रोथ का कोई कीमत इसलिए नहीं आया बिकॉज जैसे ही ग्रोथ कम हुई और कैश फ्लो नेगेटिव हुआ, मतलब एक लेवल के बाद आपको पैसे चाहिए थे बाजार से, या तो आप डेट से इशू करें या आप इक्विटी इशू करके पैसे उठाएं। लेकिन अगर आप इक्विटी इशू करके पैसे उठा रहे हैं और बुल मार्केट से बेयर मार्केट आ गया तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। वैसे पेटीएम की हालत हुई, जोमेटो की हालत हुई, इन्हें घाटा करने के लिए रुपया चाहिए। अब घाटा करने के लिए इंडिया में कोई रुपया नहीं देता है, इंडिया में रुपया देता है प्रॉफिट करने के लिए। घाटा करने के लिए अगर आपको रुपया चाहिए तो आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, नैसडैक जाना पड़ेगा, वहां बहुत रिस्क कैपिटल है। तो ग्रोथ का ये हो रहता है कि अगर ग्रोथ है कंपनी में और कैश फ्लो नेगेटिव है तो वो टाइम बॉम्ब की तरह है, जहां ग्रोथ रुकेगा वो स्टॉक फटके 90% नीचे आएगा। सारे इंफ्रा कंपनीज अब 2003 से 2008 देख लो यही हाल थी, नागार्जुना, IVRCL, लैंको इंफ्रा। लैंको तो ऐसी लगी जैसे कोई लंका में आग लग गई हो, ऐसे लैंको का स्टॉक शायद 99% गिरा, फिर ऑस्ट्रेलिया में ये किया, उधर ये किया, वो स्टॉक मतलब गायब ही हो गए सारे। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आई बिकॉज इनका कैश फ्लो नेगेटिव था। L&T जिसको हम बहुत ही जबरदस्त कंपनी बोलते हैं, उसका भी अगर टॉपलाइन ग्रोथ मुझे याद है बेरली डबल डिजिट है लास्ट 10-12% का लास्ट 10 साल में, और स्टॉक भी अंडर परफॉर्म किया है बिकॉज उसको रुपए बहुत चाहिए अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आपको एक ऐसा बिजनेस चाहिए जो ग्रोथ दे और कैश यूज नहीं करे, जबकि कैश आपको वापस वहां बिजनेस से आपको कैश वापस निकाल के दे। तो एक और टाइप का जो ऐसा बिजनेस होता है, उधार में खरीदो कैश में बेचो, उसमें वर्किंग कैपिटल नेगेटिव होता है, वो रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है। और रेस्टोरेंट के बिजनेस में जैसे मैंने बोला ग्रॉस मार्जिन बहुत होता है। अब आप बोलेंगे कि इंडिया में तो सर स्पेशलिटी को आप देख लो, वो तो बंद होने वाली है, ऐसा लग रहा है स्टॉक चलता नहीं बढ़ता नहीं। वो इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में सिर्फ टेक अवे ही वायबल है। आप लोगों को बैठाकर एसी चलाकर उसको ठंडा पानी पिलाकर खाना खिलाएंगे तो आपका रिटर्न नहीं बनेगा इतने हाई रियल एस्टेट कॉस्ट में। आपका रिटर्न जब बनेगा जब आप उन कंपनियों को ऐसे बिजनेस मॉडल सेट करेंगे कि हम यहाँ बैठे हैं, तुम अपने घर बैठे हो, मुझे ऑर्डर दो, मैं घर तुमको सामान भिजा रहा हूँ, घर बैठ के खाओ, मेरे यहाँ पे आके मत खाना तुम। और पैसे तभी बनेंगे क्योंकि फिर आप रियल एस्टेट कॉस्ट का पैसा बचाते हो, आप एयर कंडीशनर का पैसा बचाते हो, आप उस ओवरहेड को बचाते हो जो वहाँ पे एक आदमी आपको आएगा, सर मेन्यू कार्ड ये वो फलाना डिबका, फिर वो बैठे, अच्छा फिर उसको बात करनी है, आप चार आदमी आ गए बात कर रहे हैं 20 मिनट से, फिर आप उनको उठा भी नहीं सकते हो कि यहाँ से आप उठो यार बाहर जाओ। तो कई बार आप रेस्टोरेंट में घुसिए तो ऐसा लगता है कि आपके घुसते ही वो एसी चलाता है, तो पहले ही मेरा दिमाग चल जाता है कि यार इसमें आदमी ज्यादा आते नहीं है बिकॉज आपके घुसते ही वो एसी क्यों चला रहा है। अगर उसको पता रहेगा लोग आ रहे हैं तो पहले से एसी चलाएगा। लेकिन ये एक नॉर्मल सी चीज है जो आपको देखते ही समझ आती है। और नए जगह ऑफ टॉपिक ऑब्वियसली, आप नए जगह जाएं आपको पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, जहां सबसे ज्यादा भीड़ है वहां घुस जाइए, वो जगह अच्छी होगी। तो एनीवे तो रेस्टोरेंट का बिजनेस में अगर आप बैठाकर खिला रहे हैं तो आपका कैश फ्लो उल्टा होगा, आपको रेंट देना है बड़ा, आपको मेंटेन करना है, आपको एयर कंडीशनर चलाना है, आपको 200 एक्स्ट्रा खर्चे पालने हैं। लेकिन अगर आप सामान घर भिजा रहे हैं, अब आप बोलेंगे सर घर भिजवा के भी जो कंपनियां हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो रही है, वो टेम्प्रेरी है, वैल्यूएशन ज्यादा है कम है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा बनाएगी बिकॉज उधार में खरीदती है कैश में बेचती है, ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है। सिंपल ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है, जैसे आप लुई विटॉन मैंने बोला एक एरमिस करके कंपनी है अमेरिका में, अमेरिका में नहीं यूरोप में, अमेरिका में लिस्टेड है वो, $210 चलता है वो, ये 8-10% सालाना आपको दे देगी और बहुत सॉलिड रॉक सॉलिड 100 साल पुरानी कंपनी है। वो घोड़े का वो बनाती थी जो बैठने का जो होता है स्टैडल, आप पता नहीं उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो बनाती थी। वहां से शुरू होते होते वो बेल्ट बनाने लग गए, जूते बनाने लग गए, बैग्स बनाने लग गए, और उनके लेडीज हैंड बैग तो 30-40 लाख के एक आते हैं क्योंकि वो बोलते हैं हम बहुत बढ़िया लेदर यूज करते हैं। अब ठीक है करते भी होंगे लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। 40 लाख का बैग लेकर आप कहीं जाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये होता है कि आपको बताना पड़ा, आप लोग देखकर समझते हैं कि हाँ यार ये इसके पास पैसे हैं, ये 40 लाख का बैग लेके घूम रही है या घूम रही है। ये होता है आदमी तो नहीं इतना महंगा बैग यूज करता है। लेकिन एक और खास बात इसमें है कि जिसको पता है कि ये 40 लाख का है उसको फर्क नहीं पड़ता, और जिसको आपको बताना पड़ रहा है कि ये देखो मैंने 40 लाख में एक बैग खरीदा, वो सोचेगा तू तो पागल है यार 40 लाख में तो तू घर खरीद लेता। तो ये सब चीजें होती है, रोलेक्स की घड़ी भी, एरमिस भी, जहां ह्यूज प्राइसिंग पावर होता है। तो ये बिजनेस आपको कभी भी नीचे भाव में मिले तो आप उस वक्त ले सकते हैं, और उसके बाद ऊंचे भाव में जब भी आपको मिलेगा तो आप उस समय उसको निकाल सकते हो। कई बार कोई बिजनेस होते हैं जैसे उसमें पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, उसका वो पैसा बनाते हैं। सो पेटेंट कॉपीराइट क्या हुआ, सो पेटेंट हुई कोई आपने दवाई बनाई, जितनी दवाई की कंपनियां अमेरिका वाली है, इंडिया में भी एक दो कंपनियां ने पेटेंट किया है, ऑफ पेटेंट रख जाती है वो करती है, तो दवाई की कंपनी में बहुत पैसा बनता है। तो एक किताब है जर्मी सीगल ने बहुत साल पहले लिखी थी, उन्होंने बोला नंबर वन वेल्थ क्रिएटर है फार्मास्यूटिकल कंपनीज बिकॉज उसमें इनोवेशन मैक्सिमम होता है। अब तो मुझे लगता है टेक्नोलॉजी आ गई होगी। कॉपीराइट एक होता है कि जब कॉपीराइट में अगर आप कोई
चीज को ले ली है, तो कॉपीराइट जैसे मेरी किताब है थॉटफुल इन्वेस्टर फॉर एग्जाम्पल, ये तो ये थॉटफुल इन्वेस्टर, ये कॉपीराइट है मेरा, तो अगर कोई इसे कॉपी कर रहा है, बेच रहा है, उठा रहा है, कर रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से वो गलत है, इन द सेंस कि वो बेच के आप ये सब कंपनियों में, कॉपीराइट जिसके पास है वो राइट उसका होता है किताब बनाने का और किताब छापने का और उससे कमाने का, लेकिन लोग जो हैं वो बैठ बैठ कर अगर डुप्लीकेट बना के उसको बेच रहे हैं तो वो इन्फ्रिंजमेंट होता है कॉपीराइट का। तो इसीलिए आपने देखा भी जो हो हल्ला हुआ था, हमने अमेजोन से किताब हटा लिया, हम बोले हम अपने वेबसाइट से बेचेंगे, हम इधर उधर नहीं बेचेंगे, बट बहुत रेयरली लोग अमेजोन से उठाते हैं बिकॉज नकली बेच रहे हैं वहाँ पे। तो कॉपीराइट से आपको एक मिलता है, अच्छा ये किताब जैसे है ये मेरे अलावा कोई नहीं बेच सकता लीगली, इलीगली तो कोई भी बेच सकता है, तो मेरी इच्छा मैं इसको 1500 चार्ज करूँ, 2000 चार्ज करूँ, 3000 चार्ज करूँ, हम तो क्या 1500 ही करते हैं, तो कोई और इसमें आकर अगर 200 में भी नहीं बेच सकता है जब तक ये कॉपीराइट है इस किताब की। तो सिमिलरली अगर कोई दवाई बना दिया, वो 20 ईयर्स के लिए दवाई वो पेटेंट रहती है, उसके पास रहती है, वो जितना चाहे कमा ले, लेकिन कई बार ये बिजनेसेस में ऐसे होते हैं कि दवाई निकल गई उसके बाद भी आप वो स्टॉक ले सकते हो। मॉडर्ना ने सबसे पहले कोविड की दवाई निकाल ली थी, खबर आ गई थी, उसके बाद भी आप स्टॉक लेते तो आपके पैसा बनता, बिकॉज मॉडर्ना का उसके बाद स्टॉक चला, तो आप ट्रायल रन में है, आपका एक रन सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद भी आप स्टॉक आके लोगे तो भी आपका पैसा बनेगा। और कई बार होता है कि आपको पहले नहीं लेना होता है, आप वेट करो उसका सक्सेसफुल हो जाए फिर आप ले लो, फिर भी बहुत रन रहती है आगे। फिर लैक्सो कंज्यूमर की एक कंपनी, एक दवाई थी टेगामेंट करके, जो पेट में अल्सर होती थी, लेट 70s में वो दवाई बनाई थी, मेरी ग्रैंड मदर लिया करती थी वो, बिकॉज उनको पेट में अल्सर था, तो वो दवाई बनने के 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी अगर आप वो स्टॉक लें तो भी बहुत पैसा बनता है। इंडिया में कोई इनोवेटिव कंपनी है नहीं, एक बायोकॉन थी, वो बेचारे मेहनत करती है काफ़ी इधर उधर, बट वो ज़्यादा पेपर के पेज 3 में दिखती है वो, बजाय कि इधर उधर कहीं, तो उतना कुछ हुआ नहीं बायोकॉन में, बहुत प्रॉमिस था वो कंपनी में, हम लोग सोचे कि फाइनली हमारे पास होम ग्रोन एक इनोवेटर आया, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो सिमिलरली जैसे लीज किसी के पास है, लीज हो गया तो राइट्स उसके, अब वेदांता, अब वेदांता कुछ भी हो, कॉपर का, जिंक का, एल्युमिनियम का लीज उनके पास है, तो उनके पास राइट है बिजनेस कमाने का। तो आप बोलेंगे तो यार अच्छी अच्छी कंपनियों की बात हो गई, बेकार कंपनी की भी बात कर लें। देखो जो बड़े पैसे बनते हैं ना वो ये इन इर्द गिर्द, ये कुछ ना कुछ उनके पास कुछ एट्रीब्यूट्स होएंगे तो ही बड़े पैसे बनेंगे। अगर उनके पास एट्रीब्यूट्स नहीं है ऐसे कि भाई कोई खास काम करे वो, या उसके हिसाब से कुछ उनको एडवांटेज मिले, तो बड़े पैसे नहीं बनते। और भी प्रॉब्लम इसलिए आती है कई बार क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कि कौन से बिजनेस में क्या टाइप का एडवांटेज है। तो अगर बिजनेस में एडवांटेज हमें नजर नहीं आ रहा है तो बहुत सिंपल है और बहुत ऑब्वियस है कि ये मॉडल जो है ये आगे 10 साल 20 साल तक नहीं चलेगा। आप कोई भी बड़ा मल्टीबैगर अगर आप देखेंगे तो कुछ उसमें खास बात जरूर होती है कि वो 5 साल 10 साल 20 साल चले तभी वो बिजनेस मॉडल आगे जाके सक्सेसफुल होता है। अगर उसमें इतनी खास बात नहीं होती है तो वो जल्दी से ही स्टॉक नीचे आता है, स्टॉक गिरता है और उसके बाद आगे नहीं बढ़ता है। अब यूएस में अभी देखें, अब एनविडिया फॉर एग्जांपल जो चिप्स बना रही है, यूएस को छोड़ दो मिनट के लिए, इंडिया के लिए देखें, इंफोसिस जब 1993 में शायद इनका आईपीओ आया था, वहां से स्टॉक कितना गुना हुआ भगवान जाने, लेकिन इंफोसिस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, वो स्केल अप करते गए करते गए करते गए, उसके बाद लोग आए सोचे अब क्या करें। 8 साल 10 साल बाद टाटा भी आए टीसीएस में बड़े स्केल में, लेकिन उस समय जो एग्जिस्टिंग जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको समझ नहीं आया कि बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता था। अल्ट्राटेक फॉर एग्जांपल, अल्ट्राटेक हमारा लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, तो अल्ट्राटेक जब सीमेंट बना के बेचेगा तो उसको फायदा होगा। एक और स्टॉक जैसे कई बार कई कंपनी में ऐसा होता है कि आप एक कंपनी बनाए उसके पास राइट्स हैं, जैसे टिप्स इंडस्ट्रीज हमारे स्मॉल केस में एक में है, ये तो डिस्क्लेमर दूंगा कि आगे पीछे कोई स्टॉक हमारे पास है तो कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं, आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है, उसमें भी पायरेसी बहुत है, लेकिन पायरेसी लॉज बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, तो अब एक बार गाना बन गया आप सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद वो गाना सुनने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, जैसे सारेगामा फॉर एग्जांपल, सारेगामा के पास ज्यादातर 1960s 1970s के गाने हैं, तो आगे 10 साल आने के बाद 1900 मोहम्मद रफी किशोर कुमार और आप समझे कि लता मंगेशकर सुनने वाली क्राउड कम होगी, बिकॉज नया जनरेशन को चाहिए योयो हनी सिंह, तो अब योयो हनी सिंह वाला जो क्राउड होगा उसको वो पैटर्न ही अलग है, उसको सुनना ही अलग है। अच्छा योयो हनी सिंह वाला क्राउड की लॉयल्टी फैक्टर जीरो है, आज योयो सुन रहा है कल वो मीका सुन लेगा कल वो तीसरा सुन लेगा फिर चौथा सुन लेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है जो नए जनरेशन में, बिकॉज इनकी लॉयल्टीज चेंज होती है।
लेकिन जो किशोर कुमार वाले हैं वो जिंदगी निकाल देते हैं किशोर कुमार सुनने में, चाहे वो 10 साल के हो या 70 साल के हो। तो वो एक लॉयल्टी फैक्टर दूसरी होती है जो नए म्यूजिशियंस में नहीं होती है, लेकिन पुराने का आप रॉयल्टी लेते रहेंगे लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट आपकी रॉयल्टी लेवल खत्म हो जाती है, बिकॉज उसके बाद आपको दिखेगा कि यार इसमें तो कोई खास मार्केट जो है आपका वो सिकुड़ जाता है खुद ही। तो आप जैसे पीवीआर फॉर एग्जांपल, अब पीवीआर का भी क्या बिजनेस मॉडल में खास बात क्या है? पीवीआर की खास बात बिजनेस मॉडल में ये है कि मूवी दिखाकर कम और पॉपकॉर्न खिलाकर ज्यादा पैसा बनाते हैं आपको ये, लेकिन पॉपकॉर्न के ऊपर कभी सुप्रीम कोर्ट लग जाती है, कभी ये लग जाता है, कभी वो। अच्छा, आदमी भी परेशान है, सब कंप्लेन करता है, लेकिन अंदर जाने का काम ही है कि 5 मिनट पहले जाना, 10 मिनट पहले आना, पॉपकॉर्न लेकर आना, और वो हिसाब से आपको देखना पड़ता है। एनीवे, एक और चीज़ खास बात ये होती है, अगर हम कोई बिजनेस मॉडल एनालाइज करते हैं तो आपको हर चीज़ नंबर्स में आनी चाहिए। मतलब ये तो ठीक है, ज्ञान हो गया, ठीक है, दवाई बनाई, उसका पेटेंट है, किताब लिखा, उसका कॉपी राइट है, इसका ये है, उसका वो है, कॉपी कर लिया नहीं किया, हर चीज़ नंबर में आनी चाहिए। तो अच्छा बिजनेस मॉडल, अगर आप बोलेंगे एक नंबर बताओ जिससे मुझे पता चले बिजनेस मॉडल अच्छा है कि खराब, तो मेरे हिसाब से वो नंबर है ROE, रिटर्न ऑन एक्विटी। अगर रिटर्न ऑन एक्विटी 30% है तो बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। आप अपने बैठे हैं 2 मिनट, देखें कौन सी ऐसी कंपनी है जो 30% से कम ROE में खराब बिजनेस मॉडल की है, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो 20-30 साल तक पैसे बनाई है और उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कम रहा है? तो कम नहीं रहता, ROC मिसलीडिंग है, बिकॉज ROC ही ये हो गया कि आपके घर में चार कमाने वाले हैं, तीन आदमी अफसर है, एक आदमी छोटा काम करता है, कहीं प्यून की नौकरी करता है, तो आप कहते हैं ये तीन की सैलरी देखो यार, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दें, हम तो पूरे फैमिली इनकम देखेंगे ना। तो ROC में ये प्रॉब्लम है कि ROC में आप कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हो, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा लैंड है जिसको कंपनी यूज नहीं कर रही है तो वो आपको ROC का नंबर से पता नहीं चलता है, बिकॉज वो आप बोलते हो कि उसको छोड़ दो। जब आप ROE लेते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी लेते हो, तो वो पूरे बिजनेस में कितना पैसा लगा है और वो पूरे बिजनेस का रिटर्न कितना है। तो आप, कई लोग मुझे क्वेश्चन किए कि मेरा एक ज्वेलरी का बिजनेस है, मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ, तो आपको हर वक्त, आप एक नया बिजनेस कर रहे हो, नया दुकान खोल रहे हो, आपको हर वक्त जाकर देखना है कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। अगर आपको पता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 30% आ रहा है और वो डाइल्यूटिव नहीं होगा तो आपको बिजनेस करना है। अगर इंक्रीमेंटल काम करके आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो जाता है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि नया लैंड खरीद के आप काम करेंगे तो आपका ROE कम हो जाएगा, आप एग्जिस्टिंग लैंड पे वो काम कर लेंगे तो आपका ROE बढ़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको एग्जिस्टिंग लैंड पे वो काम कर लो आप तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप नई जमीन खरीद के फिर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो गड़बड़ है। जैसे डीमार्ट का मॉडल है, उसका मॉडल आप बोलेंगे लो ROE बिजनेस है, क्योंकि वो स्टोर्स खरीदता है, खरीदने से रुपया लॉक इन होता है, आपको 2% 3% रेंटल में आपको जगह मिल जाती है, तो आप स्टोर खरीदेंगे क्यों? तो डीमार्ट बियॉन्ड अ पॉइंट कभी भी 40-50-60% नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं आएंगे स्टोर खरीदने के। अगर वो रेंटल मॉडल जाएगा तो कुछ भी हिसाब से बढ़ सकता है। तो हर बिजनेस की खास बात होती है, हर बिजनेस का एक अप्स एंड डाउन होता है, लेकिन जो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया मोटे ताजे बिजनेस होते हैं उसमें ये खास बात ये होती है कि उनका कोई ना कोई स्पेसिफिक एडवांटेज होता है। कुछ होता है जैसे स्विचिंग कॉस्ट, नेटवर्क कॉस्ट, जब तक नंबर पोर्टेबिलिटी नहीं आई थी, आपका अगर एयरटेल से आपका सिम कनेक्शन है तो आप एयरटेल से इधर उधर नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि फिर अगर आप भागेंगे तो आपका नंबर देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने लाई नंबर पोर्टेबिलिटी, अभी गवर्नमेंट ला रहा है ब्रोकिंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी, कि अगर मेरा मोतीलाल में छोड़िए, अगर मेरा सपोज कोई भी एक ब्रोकिंग अकाउंट में एक अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से HDFC सिक्योरिटीज में मेरा अकाउंट है, और कल मैं सोचता हूँ कि मैं ये अकाउंट लेकर कोटक में आ जाऊँ, तो मैं अपने डेरिवेटिव सौदे, मार्जिन फंडिंग सब के साथ उठकर वहां से यहाँ आ सकता हूँ। अभी तो क्या है, आप अगर मूव करना चाहेंगे तो पहले यहाँ पूरा पेमेंट करिए, पूरा अकाउंट जीरो करिए, फिर उसके बाद वहां से वहां आइए। तो जब अकाउंट पोर्टेबिलिटी आएगी तो ऑलरेडी कट थ्रोट हो जाएगा। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि पेटीएम ने शायद वो ब्रोकिंग अकाउंट के रेट्स ऑलरेडी कम कर दिए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी आपके बिजनेस में अगर उसमें स्विचिंग कॉस्ट हाई नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट आपको स्केल लाना है, ज्यादा लोग लेने हैं, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, और फिर एक आदमी कम ऑफर करेगा तो दूसरा को कम ऑफर करना पड़ता है। ये काफी बार ये होजियरी इंडस्ट्री में होता है, आप देखते हैं कि एक सलमान खान को लेके आया तो दूसरा को सनी देओल लाना ही पड़ता है, और तीसरे को फिर सैफ अली खान लाना पड़ता है, बिकॉज एक आदमी अगर कर दिया गलती मेरे हिसाब से कि किसी बड़े ब्रांड एम्बेसडर को लाया तो दूसरा भी लाएगा, तीसरा भी लाएगा। तो नेट नेट इम्पैक्ट सेम होता है बट मार्केट एक्सपैंड करता है इससे। तो ये काफी चीज
काफी हिसाब से होता है कि हम देखते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बिजनेसेस जो हैं वो ऐसे बिजनेस अच्छे चलते हैं जो बिजनेस मॉडल जिनका बहुत स्ट्रांग होता है वो। तो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस ले लें आपके चैट में तो बड़े धमाधम क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखते हैं अगर क्वेश्चंस अगर हम लेते हैं तो 1 मिनट क्वेश्चन आने के लिए टाइम लगेगा यहाँ पे जब तक हम सेट होते हैं इधर। एक और खास बात जो मतलब बोलने के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि कई बार विकास भारद्वाज का क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ये बाद में कर लेंगे। हाउ टू एनालाइज इफ अ सेक्टर विल बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग। नेक्स्ट बिग थिंग के लिए ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ आपको जब चाहिए नेक्स्ट बिग थिंग के लिए, जब आप देखेंगे कि उस कंपनी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वॉल्यूम ग्रोथ हो, प्राइसिंग ग्रोथ हो, कुछ भी ग्रोथ हो, बट बिना ग्रोथ के कोई भी कंपनी जो है वो आगे नहीं बढ़ती है। तो नेक्स्ट बिग थिंग के लिए आपको ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए ट्रिगर चाहिए कि क्या ट्रिगर आएगा तो ही वो ग्रोथ हो सकती है। बट विदाउट ग्रोथ कोई सेक्टर चलता नहीं। और आपको अगर एक सेक्टर देखना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको देखना है कि वो अमेरिका में वो सेक्टर चला है। अगर अमेरिका में सेक्टर चला है तो फिर उसमें एक एडवांटेज होता है कि आप यहाँ से उस सेक्टर को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस मॉडल को। सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कृष्णेंदु बैनर्जी का। सर आई हैव टू क्वेश्चंस। इफ अ कंपनी इज रिलेटिवली ऑन ग्रोथ फेज कैन मेक टू थिंग्स, सेल ऑन स्केल एंड ऑल्सो इज प्राइसिंग पावर, इट कैन डिमांड प्रीमियम फॉर इट्स कस्टमर्स। देखो ये प्रॉब्लम है, स्केल जब होता है ना तो प्राइसिंग पावर नहीं होती है, रेयरली तो प्राइसिंग पावर नहीं होती। इन द सेंस कि जब प्राइसिंग पावर आपकी होगी कोई कंपनी में तो स्केल नहीं होगा। जैसे आप बहुत हाई एंड बना रहे हैं, आप मर्सिडीज बना रहे हैं, राइट? तो मर्सिडीज बनाने के समय आप देखेंगे कि आपको स्केल उस समय नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी जो है वो मर्सिडीज खरीदने वाले एक ही कंट्री में बहुत कम जन होते हैं, बहुत ज्यादा जन नहीं होते हैं। तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ नहीं मिलेगा और सिर्फ प्राइसिंग पावर के साथ आप टिक नहीं सकते। और जिसमें आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा उसमें प्राइसिंग पावर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मासेस को जाएंगे तो वो एक प्रॉब्लम होती है। एक और क्वेश्चन आलोक अग्रवाल का बोल रहे हैं, पूनावाला फिन मैनेजमेंट एंड बिजनेस मॉडल एनालिसिस प्लीज। पूनावाला फिनकॉर्प वही कर रहा है जो बजाज फाइनेंस कर रहा है। तो एक हिसाब से फिर डिस्क्लेमर, कोई भी स्टॉक का हम रेकमेंड कर रहे हैं तो वो उसे रेकमेंडेशन नहीं लेना चाहिए, हम सिर्फ एनालिसिस के परस्पेक्टिव से बता रहे हैं। तो अगर हम बजाज फाइनेंस का मॉडल देखें, पूनावाला उसे कॉपी कर रहा है। हाँ, पूनावाला थोड़ा सा 2-4% फास्ट जा सकता है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट मुझे नहीं लगता है पूनावाला में बजाज फाइनेंस के हिसाब से कोई ज्यादा गैप होगा। बट हाँ, बजाज फाइनेंस वेल डिस्कवर्ड है, सबके पास है। पूनावाला नई कंपनी है जो लोगों के पास नहीं है, बट वैल्यूएशन वाइज उतना कोई खास मुझे नजर नहीं आता दोनों में। हाउ टू मैनेज वन मल्टी बैगर्स एंड कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव, अर्चित मारिया। एक तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर बड़ा ही डिबेटेबल वर्ड है, क्योंकि कंसिस्टेंट तो सब कुछ है। इंडिया भी कंसिस्टेंट कंपाउंडर, अगर आप नेक्स्ट 50 साल देखेंगे तो 4-5% का GDP ग्रोथ, 4-5% का इन्फ्लेशन, तो 8% का कंसिस्टेंट कंपाउंडर है इंडिया अगर आप नेक्स्ट 50 साल देखेंगे। तो प्रॉब्लम कंसिस्टेंट कंपाउंडर से नहीं बनता, प्रॉब्लम बनता है जब पैसा ज्यादा बने तो आपको पी रेशियो देखना है। अगर आपका ग्रोथ कंपनी में नेगेटिव कैश फ्लो है तो आप ये समझ लें कि ग्रोथ कंपनी विद नेगेटिव कैश फ्लो जो है वो बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं चलेगी, बियॉन्ड अ पॉइंट वो नीचे आ जाएगी, बिकॉज जब आपको फंडिंग नहीं मिलेगी नहीं तो आप कितने दिन कहानी चलाओगे। सेकेंड, उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं जय का, व्हाट इफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज बिग नेगेटिव बट प्रॉफिट ग्रोथ इन डिफेंस कंपनी है, मतलब वो सस्टेनेबल नहीं है वो ग्रोथ। अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव है और वो कंपनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। बिकॉज कैश फ्रॉम ऑपरेशन अगर नेगेटिव है उसका ये मतलब है कि आपको आगे ग्रोथ करने के लिए आपको और कैपिटल उठाना है, और कैपिटल उठाना है या डेट लेना है। जब आप डेट लेंगे और कैपिटल उठाएंगे तो वो एक प्रॉब्लम है कि वो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम नहीं होता है। गेम जोन बोल रहे हैं, हाउ टू फाइंड सेक्टर लीडर इन स्मॉल कैप। बहुत सिंपल है, जिसकी सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है वो सेक्टर लीडर है, जिसका सेल्स ग्रोथ नहीं है वो सेक्टर लीडर नहीं है। जो सेल्स सबसे ज्यादा कर रहा है वो सेक्टर लीडर होता है, जो सेल्स नहीं कर पा रहा है सेक्टर लीडर नहीं होता है। अखिल शर्मा, कैन बी मेक बिग मनी इफ रेवेन्यू ग्रोथ इज लेस देन 25%? नहीं, अनफॉर्चुनेटली नो। बहुत रेयरली होता है कि 25% से कम टॉप लाइन ग्रोथ में आप बड़ा पैसा बने। हाँ, उसमें ये होता है आप अंडर वैल्यूड स्टॉक लिए, मार्केट बड़ा अंडर वैल्यूड, फुली वैल्यूड, ओवर वैल्यूड हो गया, बराबर हो गया, तो आपके थोड़े बहुत पैसे बन गए, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम नहीं बनता है। राजेश शेखर बोल रहे हैं, डू यू रियली लुक वन ओनली वन मैट्रिक्स, डू लुक इन टू डेप्थ ऑफ मैनेजमेंट, फोकस ऑन डेट रिडक्शन फ्रॉम अ कंपनी, हैविंग टारगेट्स फॉर फ्यूचर, स्टिकिंग टू इट एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑडिटर। देखो ये सब चीज आपके मैनेजमेंट, ऑडिटर, ये सब चीजें ठीक है, लेकिन बुल मार्केट होता है और ग्रोथ होता है
तो यूनिटेक भी 1000 गुना होता है, और बुल मार्केट नहीं होता और ग्रोथ नहीं होता और स्कैम निकल जाता है, तो वही मैनेजमेंट का स्टॉक 100% गिरता है। तो अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द बुल मार्केट, बट हाँ यस मैनेजमेंट डज मैटर, बिकॉज मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो खराब समय में मैनेजमेंट संभाल के निकाल लेता है। अनुराग एस बोल रहे हैं, हाउ टू एवरेज अप और एवरेज डाउन, व्हाट शुड बी द राइट प्रोसेस। एवरेज आप जब भी करें, जब स्टॉक को आपने लिया, रिजल्ट अच्छा आया, आपको लग रहा है कि इस रिजल्ट से और स्टॉक अच्छा आगे कर सकती है, लेकिन एवरेज डाउन जो है वो कभी नहीं करना चाहिए। करते हैं हम लोग, गड़बड़ करते हैं, वो अपना थोड़ा ईगो में करते हैं कि यार ऊपर में लिया तो नीचे तो और लेंगे, मेरा एवरेज कम आ जाएगा, बट नॉर्मली वो रेसिपी फॉर डिजास्टर होता है। बिकॉज आपने एक गलत डिसीजन लिया, स्टॉक नीचे आ गया, फिर आप दूसरा गलत डिसीजन, अनलेस यू नो कंपनी वेरी वेल, यू शुड नेवर एवरेज डाउन। शाहजाद कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग बसंत जी, लॉजिस्टिक्स इज अ मेजर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, फ्रेगमेंटेड, कैन कंपनी इन दिस सेक्टर बिकम लार्ज। लॉजिस्टिक्स में वो बहुत रेयर प्राइसिंग पावर है, वो डिलीवर डिलीवर डिलीवरी क्या, एक जो स्टॉक है वो चलता है, वो कभी बेचता है करता है, बट ब्लू डार्ट इज मेड ट्रिमेंडस मनी, बिकॉज ब्लू डार्ट में प्राइसिंग पावर है। जब भी मुझे कोई पासपोर्ट भेजना पड़ता है या ड्राइविंग लाइसेंस भेजना पड़ता है, कोई ऐसी स्पेशल चीज भेजनी पड़ती है, बोलते हैं ब्लू डार्ट से भेज दो यार, वो 300 रुपये लेगा तो भी ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, बोलते हैं किसी से ही भेज दो यार, क्या फर्क पड़ा, खोएगा तो दूसरा भेज देंगे। तो ब्लू डार्ट का प्राइसिंग पावर है, तो वो आपको देखना चाहिए। अनिल गंडोत्रा कह रहे हैं, सर जी आईआरसीटीसी कैसा है। देखो यार आईआरसीटीसी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट जो है वो आईआरसीटीसी को प्रॉफिट मोटिव के हिसाब से नहीं चलाती है, गवर्नमेंट उसको चलाती है वेलफेयर मोटिव के हिसाब से। तो वेलफेयर मोटिव के हिसाब से अगर आईआरसीटीसी को आप चलाएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम आती है। तो यही यही एक सिचुएशन है कि आईआरसीटीसी का प्रॉब्लम है कि ये प्रॉफिट मोटिव से अगर चलेगा तो ही चलेगा, बट गवर्नमेंट का आपको पता ही है गवर्नमेंट कैसे करती है, दैट इज द वे द गवर्नमेंट इज। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर मोटिव, उनका ये काम नहीं है कि उसको बैठ बैठ के लोगों कमाएं और लोगों को फायदा करें, शेयर होल्डर का इन दिस सेंस, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। नवीन मुंद्रा बोल रहे हैं, कंपनी इज मेंटेनिंग 40% आरओई बट नो ग्रोथ और ग्रोथ एट 10%, हाउ मच ईपीएस कैन ग्रो। 40% आरओई नो ग्रोथ मतलब या तो डिविडेंड दे रही है कंपनी या कैश जमा दे रही है, तो अगर ग्रोथ नहीं है तो डीपीएस कैसे बढ़ेगा आप ही बताइए। एचयूएल का तो 90% ग्रोथ था और 90% आरओई था बिटवीन 2001 टू 2011, लेकिन ग्रोथ कुछ नहीं था। सो वो एक प्रॉब्लम है ये सब कंपनीज में। सो एक और क्वेश्चन देख सकें, हाँ गोकुल दास के बारे में बोल रहे हैं कि गोकुल दास का स्टॉक कैसे, गोकुल दास मैं फॉलो नहीं करता तो एक्चुअली आई वुडंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। तो दूसरा एक सेकंड लेते हैं, एक और रुकिए एक सेकंड। हाँ तो ये जो 40% प्रॉफिट और आरओई का जो क्वेश्चन है, ये आप एक और हिमालय शाह का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द हाई ग्रोथ कंपनीज ट्रेड एट 50 PE, इज इट टू बाय इट व्हेन द मार्केट कैप इज लो। देखो मार्केट कैप लो है ना तो आप कोई भी स्टॉक का पीई पे आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज लो मार्केट कैप का मतलब स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत है, और उस समय पी को थोड़ा इग्नोर भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 50,000 करोड़ मार्केट कैप है, 100,000 करोड़ मार्केट कैप है, फिर आप उसको सस्ता खरीदने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है, बिकॉज वो स्टॉक सस्ता नहीं होता, और अगर आप महंगा खरीद लिए तो वो महंगा से और महंगा भी नहीं हो पाता है। तो वहां पे आप पी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अगर मार्केट कैप ज्यादा है तो, अगर मार्केट कैप कम है तो फिर पी को आप नहीं उतना इंपॉर्टेंस देते हैं। विश्वेश शेलके कह रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा कैसे समझे, हाउ टू एनालाइज मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। बहुत सिंपल हिसाब है, अगर आप आरओई देखेंगे और आरओई अगर अच्छी है तो मैनेजमेंट नॉर्मली अच्छा होता है, अगर आरओई अच्छा नहीं है तो मैनेजमेंट नॉर्मली अच्छा नहीं होता है, बहुत सिंपलिस्टिक है। लेकिन क्या टाटा स्टील में आरओई अच्छा नहीं है तो इसका क्या मतलब है मैनेजमेंट खराब है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि जिसमें आरओई अच्छा नहीं हो सकता, वो कमोडिटाइज बिजनेस है, उसमें आरओई करने के लिए कंपनी को बैठकर अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करोगे आप तो अपने आप आपका आरओई आ जाएगा, अपने आप आपका बिजनेस आ जाएगा। अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊंचा रखोगे और कमोडिटाइज बिजनेस है तो उसमें फिर पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। रोहित शरण, नेस्ले हैज आरओई ऑफ 108% एंड पॉजिटिव कैश फ्लो बट इट इज नॉट अ ग्रोथ कंपनी एनी मोर। नेस्ले इसलिए ग्रोथ कंपनी नहीं है बिकॉज ऑलरेडी मैगी वैगी जैसे जो बिजनेसेस हैं उनके 50%+ मार्केट शेयर लेके बैठे हैं। एशियन पेंट फॉर एग्जाम्पल 50%+ मार्केट शेयर है। जब आप 50%+ मार्केट शेयर हो जाते हो तो आप खुद ही मार्केट हो जाते हो, तो आपको फिर उसके बाद ग्रोथ में उतना कुछ फायदा नहीं है, मतलब ईजी नहीं होता है। तो
तो इसीलिए ग्रोथ मॉडल जो है कंपनी का, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि ग्रोथ तो हर कंपनी का कम होती है, लेकिन अगर आपकी कंपनी की ग्रोथ कम हो रही है तो और कैश फ्लो पॉजिटिव है तो फिर भी आप टिकेंगे। जैसे नेस्ले, ग्रोथ कम हो गया, कैश फ्लो पॉजिटिव, स्टॉक नहीं गिर रहा है। एशियन पेंट, ग्रोथ कम हो गया, कैश फ्लो पॉजिटिव, स्टॉक नहीं गिर रहा है। अगर ग्रोथ कम हो गया, कैश फ्लो नेगेटिव है, तो आप हैंड ग्रेनेड की तरह फटते हैं ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल, सारी इंफ्रा कंपनी का आप एग्जाम्पल ले लें, सारी वैसे ही थी कि ग्रोथ करती थी और कैश फ्लो नेगेटिव था, और जहां ग्रोथ कम हुआ, कैश फ्लो नेगेटिव, आपको और परेशान किया। सर जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और गोकुलदास, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? आर्यन बनियास कह रहे हैं, देखो टेक्सटाइल एक्सटाइल तो ठीक है, राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बट उसे प्रॉब्लम ये होता है टेक्सटाइल में कि ओ आपको प्राइसिंग पावर नहीं मिलती है अगर आप बेसिक कमोडिटाइज टेक्सटाइल कर रहे हैं तो। अगर बेसिक कमोडिटाइज टेक्सटाइल में प्राइसिंग पावर इसलिए नहीं है बिकॉज उसमें आप अगर टेक्सटाइल बिजनेस में कमोडिटाइज में अगर आप यान खरीद के बेच रहे हैं यान, तो उसमें कोई फायदा नहीं। अगर आप टेक्सटाइल में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि आप उसको उठा के उसमें वैल्यू ऐड करके एक अपने ब्रांड से एक शर्ट बना रहे हैं, पैंट बना रहे हैं, ट्राउजर बना रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तो फिर उसमें वैल्यू एडिशन में आता है। बिकॉज आप सिंपल, आप कैसे पता करेंगे वैल्यू एडिशन है कि नहीं? अगर ग्रॉस मार्जिन 15-16-17% है, 15-16-20% का ग्रॉस मार्जिन है, देयर इज वेरी लिटिल वैल्यू एडिशन। अगर ग्रॉस मार्जिन ज्यादा है, विच मीन्स देयर इज वैल्यू एडिशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। क्रेडिट कार्ड बिजनेस, राज पूछ रहे हैं क्रेडिट कार्ड बिजनेस के बारे में बताएं। तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एक ऐसी चीज है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो है वो पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब अगर आप इंडिया में देखेंगे तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस धीरे धीरे लूज आउट कर रहा है। बिकॉज एक, आप ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, और दूसरा, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में जो आप ऑफर कर रहे थे लोगों को कि मैं ईएमआई में कन्वर्ट कर दूं, ये कर दूं, तो पर्सनल फाइनेंस देने वाले बजाज फाइनेंस, पूनावाला और ये सब टाइप ऐसी कंपनियां आ गई हैं कि आपके बिजनेस मॉडल को डायरेक्ट अटैक कर रही है और डायरेक्ट कम्पीट कर रही है। तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस जो पहले बहुत अच्छे से हो जाता था, क्योंकि आपका रियल पैसा बनता था जो आप 18% और 20% इंस्टॉलमेंट पे लोगों को बोलते थे कि आप इंटरेस्ट पे मुझे पे कर दीजिए, तो वो जब नहीं होगा बिजनेस में तो प्रॉब्लम होगा। प्रणव मंडलिक कह रहे हैं, वॉट एन आइडियल डेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाउ मेनी शुड वी एक्सीड इफ इट्स नॉट पॉजिटिव, इफ नॉट इन नेगेटिव? मतलब 2 months इज ओके यार, मतलब 2 महीने से ज्यादा वर्किंग कैपिटल जहाँ हो जाता है वो बिजनेस में प्रॉब्लम होती है, एंड इवन 2 months इज लॉन्ग, बट नॉर्मली आइडियली यू शुड लुक फॉर अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कंपनी जो मेरे हिसाब से उधार में खरीदता है और कैश बेचता है। सो डैट काइंड ऑफ कंपनी, उसका तो कुछ और ही बात होती है। वॉट एवरेज डाउन इन बिग आई टी जॉइंट लाइक विप्रो? नहीं, विप्रो इज काइंड ऑफ ओके, तो कोई खास कंपनी नहीं है इसमें। अगर आप सोचेंगे कि विप्रो आप ले लेंगे और इसमें कोई चमत्कार होगा, अभी यूएस नैसडैक रिकवरी मोड में आपको मिड कैप आई टी में आई थिंक शुड बी बेटर, बट रिकमेंडेशन ऑब्वियसली नहीं होगा। हाउएवर, वायर कंपनीज ड्यूरिंग इंटरेस्ट लो, मतलब वायर कंपनीज अच्छी है, पता नहीं कौन से टाइप की वायर कंपनी आप बोल रहे हो, बट आई थिंक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट हैवेल्स टाइप कंपनी अच्छी होती है, बिकॉज जैसी इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली अभी तो हाई है, जब लो होएगा तो केपेक्स बढ़ेगा, केपेक्स तो ऑलरेडी इंडिया में बढ़ रहा है, तो ये सब टाइप कंपनी ज्यादा अच्छी होती है। सुमित वैगबॉन्ड है, सर रिसाइकलिंग बिजनेस में ग्रोथ होगा क्या, ग्रेविटा इंडिया? आई डोंट फॉलो ग्रेविटा इंडिया तो उतना मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट रिसाइकलिंग दुनिया भर में बहुत ग्रोथ होता है, बट उसमें फिर वो कमोडिटाइज्ड है, आपके पास कोई स्पेशल काम नहीं है कि आप अकेला ही करें। अरे इंडिया में खास बात है, कोई भी एक नया बिजनेस आता है उसमें 5,000 आदमी देखते हैं और उसमें से 30-40 तो पहले ही घुस जाते हैं चलो, और किसी का प्राइवेट इक्विटी का पैसा लेकर जब 200 आदमी एक ही काम में घुस जाते हैं तो प्रॉब्लम आप क्या करते हो, आप मार्जिन इरोड करा देते हो, दैट इज द प्रॉब्लम। हाउ टू एनालाइज हाउसिंग लोन ऑफ अ कंपनीज? देखो हाउसिंग लोन बहुत सिंपल है, अगर हाउसिंग लोन रिटेल लोन कर रहे हो तो उसमें अर्निंग बहुत कम है, रिटेल लोन में 1% का स्प्रेड है, और जब आप 1% का स्प्रेड करोगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा जो है उतना बनता नहीं है। पैसा जब बनेगा जब आपका स्प्रेड लंबा होता है, और स्प्रेड बड़ा होता है जब जब आप उसको थोड़ा रिस्क लेके लोन दो, विच इज अबाउट डेवलपर लोन दो। डेवलपर लोन आप दोगे तो आपको एक और प्रॉब्लम आती है कि डेवलपर फंडिंग खराब हो जाती है, डेवलपर डिफॉल्ट ज्यादा हो जाता है, आप एक एक आदमी को ज्यादा लोन दे देते हो। तो इसका लोगों ने एक तोड़ निकाला, रिटेल हाउसिंग कंपनी का तोड़ ये निकाला उन्होंने कि अगर हम हाउसिंग कंपनी का लोन जो है उसको हम उन कंपनियों को ही दें या उन लोगों को ही लोन दें जो लो टिकट साइज हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 5 लाख का लोन ले रहा है, 8 लाख का लोन ले रहा है, 10 लाख का लोन ले रहा है, जैसे आवास तो बहुत अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल्स भी अच्छी है, स्प्रेड भी अच्छा है, लो टिकट में देते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी दे रहे हैं, सैलरीड को भी दे रहे हैं, लेकिन आवास में प्रॉब्लम है कि उसमें प्राइवेट इक्विटी वाले बेचेंगे। तो अगर अगर हाउसिंग लोन है तो लो टिकट टाइप कंपनी नहीं आपको देखनी चाहिए, वैसी कंपनी जो लो टिकट के साथ भी
एक ग्रोइंग स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तीन स्टेट मिलकर इज मोर देन 50% ऑफ इंडिया मॉर्गेज मार्केट। अगर आप हाउसिंग कंपनी लोन खोल दिया अरुणाचल प्रदेश में जाकर, तो वहां कौन लेगा आपसे? तो वो एक देखना चाहिए। चिराग संखला कह रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन बिजनेस मॉडल ऑफ मैकडॉनल्ड्स। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है मैकडॉनल्ड, पेरेंट तो बहुत बढ़िया काम करते हैं, गल्ले के दुकान में बैठा है, ऑल ओवर द दुनिया फ्रेंचाइजी मॉडल खोलते हैं और फ्रेंचाइजी उठा उठाकर उनको सामान देते हैं, उनको रॉयल्टी पेमेंट करते हैं, और मैकडॉनल्ड्स आराम से बैठा रहता है और पैसे बनाता है। इससे तो बढ़िया कोई काम ही नहीं हो सकता है। अब मैकडॉनल्ड्स वॉज अ ह्यूज मनी स्पिनर, स्टारबक्स में बहुत पैसे बने हैं, मतलब स्टारबक्स में मुझे लगता है 30% CAGR प्लस किया है फॉर सेवरल ईयर्स शुरू में। तो ये आप देखते हैं, ये सब कंपनियों में अगर आप रिटर्न अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेम कहानी है। फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको केपेक्स लगता नहीं है, आपके पैसे लगते नहीं, आपका फ्रेंचाइजी जाता है, वो दुकान खोलता है, आपको रॉयल्टी देता है, आप करें। इसी बात पे एक गोल्ड का कंपनी है फ्रैंको नेवाडा करके, अमेरिका में, कभी टोरंटो में लिस्टेड है शायद, कभी किसी को मौका मिले तो ज़रूर टेस्ट करना उसको, चेक करना, एनालाइज करना। उसका बिजनेस मॉडल ये है कि आपको अगर गोल्ड माइनिंग मिली, लाइसेंस लीज मिली, तो आपको वो जाकर फंड करेगा, आपको फंड करेगा, आपका बिजनेस मॉडल सेटअप करेगा, आप वहाँ से बिजनेस कर सकते हो, आप वहाँ से बेचो करो कमाओ जो करना है करो। उसके बाद आपको उन लोगों को रॉयल्टी पेमेंट करनी है, तो वो रॉयल्टी पेमेंट किस पे लेगा? ऑन सेल्स लेगा, वो प्रॉफिट पे नहीं लेगा। सो फ्रैंको नेवाडा का बिजनेस मॉडल ये है कि ये कंपनी जो है दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है और रॉयल्टी ऑन सेल्स लेती है। तो गोल्ड का दाम नीचे हो ऊपर हो, वो कंपनी कमाए या खोए, फ्रैंको नेवाडा का अपना पैसा मिलेगा। तो ये खास कंपनियां जो बिजनेस मॉडल यूएस में बहुत अवेलेबल है, इसी टाइप की कंपनी जो डी रिस्क बिजनेस मॉडल है कि मैंने और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो घूम फिर के इसका ROE 8-10% का ही है। तो क्या करती है, वो पैसे लगाती है, पैसे के अगेंस्ट रॉयल्टी लेती है। सो दे आर एक्टिंग लाइक अ बैंक इफेक्टिवली, कि बैंक क्या है, पैसे पे इंटरेस्ट लेती है, ये सेल्स पे रॉयल्टी लेती है। तो देखो सेल्स पे रॉयल्टी तो सबसे पहले आएगा, इंटरेस्ट जो है वो बाद में आता है, कमाएंगे तो इंटरेस्ट देंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं देंगे, बट रॉयल्टी तो आप पहले ही पिकअप कर लेते हो। तो निसी बूम कह रहे हैं, व्हेन नेट कैश फ्लो इज नेगेटिव डज इट मीन कंपनी इज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट? यस, आई थिंक मेरे हिसाब से बढ़िया कंपनी वो होती है जब नेक्स्ट नेट कैश फ्लो नेगेटिव होता है। नेट कैश फ्लो नेगेटिव का ये मतलब हुआ कि आप बिजनेस कर रहे हो और हर साल आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है और ज़्यादा फंस रहा है उस काम में, और ज़्यादा फंस रहा है बिजनेस का उस काम में पैसा फंस रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि आप जैसे जैसे बिजनेस बढ़ाओगे वैसे वैसे आप और इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट करोगे तो आपको फंडिंग तो कहीं से चाहिए। देखो भाई, वसु गर्ग बोल रहे हैं, सर प्लीज़ लॉन्च अ मल्टी बैगर स्मॉल केस। आप तो बस सेबी से पकड़ के मुझे जेल डलवाओगे, मल्टी बैगर हम बोल ही नहीं सकते हैं, मल्टी बैगर हो नहीं हो, ये सब जो वो था ना आनंद पिक्चर में, ये जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में झापना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, तो ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही समझो आप। मल्टी बैगर हम कभी नहीं बोल सकते हैं, मल्टी बैगर है कि नहीं, ये सब तो बाजार के हाथ में, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, और सेबी हमको अलाउ ही नहीं करेगी बोलना कि भाई मल्टी बैगर कर दो। ये मल्टी बैगर हो गया तो हो गया। देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है टेक मैनिया का, हाउ टू नो वेदर अ कंपनी विल बी अ मल्टी बैगर? बताऊं सच्ची में, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, लास्ट में बताऊंगा, मजाक की बात है। मल्टी बैगर हाई ग्रोथ होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होना चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ROE ज्यादा होना चाहिए, इमर्जिंग स्पेस में आना चाहिए, बुल मार्केट होना चाहिए, लिक्विडिटी फ्लो होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए। अब आप बोले तो सर्वगुण संपन्न, ऐसा मिलता है क्या? कोई नहीं, लेकिन ये ऐसे ही होना चाहिए। इसमें से अगर 60-70% चीजें भी आपकी अगर मिल गई तो यू आर थ्रू। तो मल्टी बैगर में अगर चलो आप समझ रहे हो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, चलो भाई कैश फ्लो नहीं बना रही है कंपनी, हर हर एक्सपेंशन के लिए उसको फंड रेज करना पड़ रहा है, पैंटालून रिटेल था जो मुझे 40 गुना पैसा बना कर गया, हर एक साल डेढ़ साल में फंड रेज करता था, प्रमोटर वारंट लेते थे, लेकिन स्टॉक जब चला तो चल गया। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स में आपको अगर लिक्विडिटी फ्लो है तो सिर्फ ग्रोथ से काम होता है, अगर लिक्विडिटी फ्लो नहीं है, लिक्विडिटी मतलब फेड वाली लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी फ्लो होनी चाहिए, अगर मेजर लिक्विडिटी फ्लो नहीं है तो फिर आपको ग्रोथ से काम नहीं बनेगा, फिर आपको कैश फ्लो पॉजिटिव चाहिए। कैश फ्लो पॉजिटिव अगर हो गया और ब्रॉड मार्केट ब्रॉडली वैसा ही है, कोई खास नहीं है, तो भी आपको एक देखना पड़ेगा कि आप कैश फ्लो पॉजिटिव के बाद भी मार्केट में अगर दम नहीं है तो फिर आपको मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, आपको लोगों का विश्वास चाहिए। तो मिक्स एंड मैच है, बट जो मैंने 7-8-10 पॉइंट दिया वो अगर उसमें से 60-70% भी सही होता है तो आई थिंक यू आर थ्रू। राजेंद्र धामरे कह रहे हैं, सर आई हैव अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट इन एप्पल, अमेजन,
माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, गूगल, सोफी टेक। यार सोफी टेक तो हम सुनते हैं बहुत अच्छा है, मतलब हमने भी नहीं देखा, वो फाइनेंशियल उसमें है, सोफी टेक अच्छा है, अपस्टार्ट अच्छा है, ये दोनों हमने भी सोचा देखेंगे, एनालाइज करेंगे। पैलेंटियर अच्छा है, वो भी हम देख रहे थे, वो एआई में बहुत अच्छा है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आपको जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये सब बोले 35% पोर्टफोलियो आप है, आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शुड आई होल्ड और बुक सम प्रॉफिट्स? भाई प्रॉफिट बुक करने की हड़बड़ ना करें, ये आपके पास सारे जो है ना ये सब मतलब दिवाली के रॉकेट्स हैं, और ये रॉकेट ऊंचे जाएंगे, बहुत ऊंचे। अब इसमें ये हो सकता है एक दो आपके नहीं चले, बट अगर दो तीन भी चल जाएंगे आपको थ्रू कर देंगे। क्या नहीं चलेगा मैं आपको बोलता हूँ, आपके टॉप 3 या 4 स्टॉक्स नहीं चलेंगे ज्यादा। एप्पल ऑलरेडी 2 ट्रिलियन मार्केट कैप के ऊपर, अमेजन ऑलरेडी इतना भयंकर मार्केट कैप, माइक्रोसॉफ्ट एक और हाथी, मेटा जो बेचारा हाथी था वो बीच में खरगोश बन गया, वापस हाथी बन गया, नीचे से ऊपर वापस बढ़ा। हाँ इसके बाद गूगल भी मुझे लगता है कि ज्यादा होता नहीं, बट देर ऑल वेरी डिसेंट कंपनीज, आपको 20-25% टाइप अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी ये सब स्टॉक्स में। टेस्ला तो ऑब्वियसली फेवरेट है हमारा, उसके बाद सोफीटेक आपने लिखा, गूगल भी मुझे अच्छा ही लगता है, ये बहुत अच्छी कंपनी है एक्चुअली जो आपने भेजी है यहाँ पे, तो वैसे देखना चाहिए। एक और हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, पैकिंग इंडस्ट्री के स्टॉक्स के बारे में ओपिनियन क्या है आपका? शांतनु कह रहे हैं, देखो पैकिंग वैकिंग में क्या है ना, ज्यादा पैकेजिंग बोल रहे हैं शायद, तो इस सब में क्या है ना, ज्यादा आपको आरओई वारोई बनता नहीं है सब कंपनीज में, तो इसीलिए आपको पैकेजिंग टाइप कंपनीज आप लीजिए, बेचिए, कमाइए। और मोलटेक पैकेजिंग पीछे कुछ आई थी, ये आता है वो जाता है, तो आइए कमाइए, पैसा खाइए, घर जाइए। मतलब हम लोग जो कहीं कभी शादी वादी में जाते हैं ना, तो बोलते हैं कोड वर्ड में जो जान पहचान वाले दो तीन रहते हैं, बोले केपी के, बोले केपी के क्या हुआ, बोले भाई खाओ पियो खिसको। तो एक पैकेजिंग टाइप कंपनी सब केपी के टाइप है कि खाओ पियो खिसको, मतलब पैसा बने, बाहर निकलो, हो गया काम खत्म, घर चलो, ये बैठने का नहीं है वहाँ 4 दिन तक, तो वो देखना चाहिए। रामचंद्र नायक कह रहे हैं सर, एनी व्यू ऑन गॉडफ्रे फिलिप्स कंज्यूमर कंपनी, ये सिगरेट में है, ये रिटेलिंग में आ रही है यूएस, ये नोएडा वोएडा साइड में, दिल्ली में काफी गॉडफ्रे फिलिप्स खोल रही है अपना, बट मुझे उतना समझ नहीं आता, इसका मैनेजमेंट इश्यूज है, वो ललित मोदी वाला है, पता नहीं अभी कैसा कर रहा है, बट दे आर डूइंग वेल फ्रॉम व्हाट आई हियर, ज्यादा मुझे उसका आइडिया नहीं है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी मॉडल एनालिसिस लाइक एसबीआई लाइफ एंड आईसीआईसीआई प्रू, ये कह रहे हैं विकास मेहता। तो विकास जी, अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे, तो इनका बेसिक मेरे हिसाब से इंश्योरेंस से उतना नहीं जितना फ्लोट से कमाने का ये लोग सोचते हैं, बिकॉज कमाई इनकी फ्लोट में, बिजनेस मॉडल में नहीं है कि जो पैसा ये जितना इंश्योरेंस क्लेम ले रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम दे रहे हैं वो बाद में जाता है, जब आप अपफ्रंट पैसा ले रहे हो और बाद में आप पैसा देते हो, तो उसमें ये डिफरेंस ये होता है कि आपके पास पैसा जमा होता है। जो मैंने बर्कशायर का एग्जांपल लिया कि बर्कशायर 45% अपना जो पैसा है वो फ्लोट से कमाता है, जो आपके पास लोगों के पैसे जमा है, तो वो सब टाइप कंपनीज जो है वहाँ बिजनेस मॉडल की देखनी चाहिए। बट हाँ एसबीआई लाइफ आईसीआईसीआई प्रू को इसलिए एडवांटेज है क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर से, जो एलआईसी है हमारी, उससे ये हर साल मार्केट शेयर खा रहे हैं, तो जब ये हर साल मार्केट शेयर खाएंगे पब्लिक सेक्टर से, एलआईसी से, तो एलआईसी धीरे 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 दुबली होती जाएगी, ये धीरे 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 मोटे होते जाएंगे। और हर चीज में ऐसा हुआ है इंडिया में, आप दूरदर्शन पहले एक आता था वो शाम को 6:30 बजे शुरू करता था अपने म्यूजिक के साथ, टाटा टा डेन टाटा टा डेन, वो घूम ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, 3 मिनट लगते थे उसको गर्म होने में टीवी को। अच्छा उसके बाद वो पहले फालतू के प्रोग्राम इधर उधर गिन चुन के आधे घंटा आपको देखने मिलता था, सडनली 1991 में जी पहुंच गया कहीं से भी, आसमान से भी, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है भाई, डर लग जाता है कोई भी स्टॉक लेने के, नाम लेने के पहले, बट जी पहुंचते ही अक्रॉस द बोर्ड बॉम्बार्डमेंट किया, ये चैनल वो चैनल, जी प्राइम, जी सिनेमा, सब कुछ धीरे धीरे करके उन्होंने लॉन्च कर दिया विद इन अ मैटर ऑफ 2-3 ईयर्स। उसके बाद सडनली दूरदर्शन से लोग निकल पड़े, सब प्राइवेट केबल में आ गए। आज मुझे पता ही नहीं है डीडी न्यूज कोई देखता भी है कि नहीं देखता है, जब क्रिकेट का टेलीकास्ट कहीं और से नहीं होता है तो हम डीडी न्यूज में आ जाते हैं, भाई यहाँ देख लो। तो ये एक और मॉडल हुआ। आप अगर देखेंगे एचएमटी की पहले घड़ी मिलती थी, उसको टाइटन आया, टाइटन ने ऐसा सफाया किया कि एचएमटी की घड़ी साफ हो गई पूरी। तो ये एक और मॉडल निकला, ऑल इंडिया रेडियो था पहले, अब ऑल इंडिया रेडियो कौन सुनता है मुझे पता ही नहीं, और सब एफएम में आ गए, सीधा एफएम, पहले तो एफएम चैनल ही नहीं चलता था हमारे यहाँ, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, ये सब चलता था, एक एफएम चैनल तो उस समय कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो गवर्नमेंट की जितनी कंपनियां हैं उनको वरदान है कि अगले 10-20-30 साल तक तुम्हारा सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें सरताज है इनके, भारत संचार निगम लिमिटेड है क्या, बीएसएनएल, वो मतलब इनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, एमटीएनएल फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। क्या किया तुमने, तुमने बैठ गए हाथ में हाथ रखकर, हाँ हम बॉम्बे में सबको फिक्स लाइन दी है, फिक्स लाइन ही लोगों ने छोड़ दिया, आज
आप हमसे पूछेंगे तो हमारे पास तो ऑफिस के अलावा घर में कोई फिक्स लाइन ही नहीं है, मतलब कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि फिक्स लाइन रखें। कैलकटा में जरूर, क्योंकि यहाँ रहते हैं, यहाँ पे एक फिक्स लाइन पहले का पड़ा हुआ है, बॉम्बे में लगाया ही नहीं फिक्स लाइन। तो ये लोग का वरदान है कि तुम धीरे धीरे तुम मार्केट शेयर छोड़ दोगे और धीरे धीरे सारा बिजनेस खाली कर दोगे। तभी गवर्नमेंट अगर इन्हें लेकर सही मोमेंट प्राइवेटाइज कर दे तो गवर्नमेंट को कुछ पैसे मिल जाएंगे, अगर इसको ज्यादा दिन अपने पास रख दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। ये हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ऐश राठौर, सर ग्रॉस मार्जिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आर दे सेपरेटली मेंशन इन स्टेटमेंट्स और डू वी हैव टू कैलकुलेट इट एज यू एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रॉस मार्जिन आपको अलग से कैलकुलेट करना होगा ऐश, बिकॉज यू आस्क मी, इट्स अ लिटिल टेक्निकल बट मैं आपको लेमन भाषा में समझाता हूँ। मेरी दुकान है, मैं जलेबियाँ बनाता हूँ, मेरे पास 3 हलवाई है और 6 हेल्पर है। तो 3 हलवाई और हेल्पर जो है वो, और एक कैशियर है, दो कैशियर है, 3 हलवाई और हेल्पर। जिस दिन मैं संडे के दिन मैं 3 रखता हूँ और वीक डेज को मैं 2 ही रखता हूँ, एक ही रखता हूँ बिकॉज वीक डेज में डिमांड कम है। तो 3 हलवाई मेरे हो गए वेरिएबल कॉस्ट, उनके 3 हेल्पर हो गए वेरिएबल कॉस्ट। ज्यादा ग्राहक आएंगे, मुझे पता है, मैं पहले से 3 हलवाई बुला के रखूंगा, नहीं आएंगे नहीं रखूंगा। हलवाई जो है वो दिहाड़ी पे है, मतलब डेली वेजेस पे है, तो वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। जलेबी बनाने के लिए मुझे घी चाहिए, तेल चाहिए, चाशनी चाहिए, चीनी चाहिए, वो जो बेसिक रॉ मटेरियल है जलेबी बनाने का, वो मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट है। ज़्यादा जलेबी बनाऊंगा, ज़्यादा चीनी यूज़ होगा, ज़्यादा घी यूज़ होगा, ज़्यादा तेल यूज़ होगा, ज़्यादा प्लेट्स यूज़ होंगे, ज़्यादा कढ़ाई में वो नीचे से हीट करने के लिए अगर मैं गैस पे कर रहा हूँ तो वो चाहिएगा ज़्यादा, वो वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट आपको फिगर आउट कर लिया है, आपकी आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो फिर आप सेल से, अगर मैं 20 रुपये पीस में जलेबी बेच रहा हूँ और 8 रुपये पीस का मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरा ग्रॉस मार्जिन है 12 रुपीज़, 12 रुपीज़, बिकॉज 20 इज माई सेलिंग प्राइस, 8 इज माई वेरिएबल कॉस्ट, विच इज द कॉस्ट। अगर मेरी दुकान बंद हो गई, मैं जलेबी नहीं बेच रहा हूँ, तो मेरी कढ़ाई भी नहीं जलेगी, तेल भी नहीं जलेगा, चीनी भी यूज नहीं होगा और मैदा भी नहीं यूज होगा, और हलवाई को भी मैं बोलूंगा भाई छोड़ दे तू, अगले महीने से हम दुकान खोलेंगे तो तुमको बुलाएंगे। सो ऑल द कॉस्ट गोज टू जीरो, इफ आई डोंट हैव प्रोडक्शन द कॉस्ट गोज टू जीरो, दैट इज माई वेरिएबल कॉस्ट। जब मैंने 20 रुपीज के सेलिंग प्राइस से 8 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट हटाया तो मेरे बचे 12 रुपए, 12 रुपीज। सो दैट 12 रुपीज इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। सो 12 रुपीज डिवाइडेड बाई 20, विच इज 60% ग्रॉस मार्जिन। जो भी प्राइसिंग पावर का बिजनेस होता है ना, उसमें 60%, 70%, 50% का ग्रॉस मार्जिन होता है। अगर ग्रॉस मार्जिन 15% है, मतलब 85% वेरिएबल कॉस्ट है, तो आपका निकलेगा तेल, जलेबी का तो क्या तेल निकलेगा, आपका तेल निकलेगा एज एन ओनर, बिकॉज आपको फिर वॉल्यूम क्रिएट करना है, मतलब 1,000-5,000 जलेबियां बेचनी है, तो फिर जाकर आपका, बिकॉज आपका ओवरहेड जो फिक्स्ड है, कैशियर की सैलरी फिक्स्ड है, उसको आप रिकवर कैसे करेंगे। तो कई बार हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल कॉस्ट को स्ट्रक्चर देखते हैं, कई बार हम वेरिएबल कॉस्ट को खुद ही खराब कर लेते हैं, वो कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है। आप बोले यार मेरे नाम से पप्पू हलवाई के नाम से तो बिकती है जलेबी, तो पप्पू हलवाई की अगर जलेबी बिकती है तो पप्पू हलवाई बोलेगा मैं चप्पू हलवाई से मंगवा लूँ जलेबी और अपने नाम के पैकेट में डाल के बेचूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। सारे हिंदुस्तान लीवर की जो आप सोचते हैं कि मैं क्लोजअप से ब्रश कर रहा हूँ और टूथपेस्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लोजअप हिंदुस्तान यूनिलीवर में बनाया नहीं, ये बाहर से बनाते हैं और अपना ठप्पा मारते हैं और बेचते हैं। तो एक आउटसोर्सिंग मॉडल होता है जिसमें आप बोलते हैं कोई और बना के बेच, मैं इसको ठप्पा मार के बेचूंगा। एक होता है आप इनहाउस करेंगे, और जो लोग बहुत ही थोड़े ग्रीडी होते हैं, थोड़े लालची होते हैं, बोलते हैं यार हलवाई ये रोज का क्यों, तू सैलरी में काम कर मेरे यहाँ से। तो आप फिर एक, अगर आपका बिजनेस स्केलअप हो गया तब तो अच्छा है, अगर स्केलअप नहीं हुआ, बिजनेस प्रॉब्लम हो गया, तो सब फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाते हैं। तो नॉर्मली जहां तक कॉस्ट को वेरिएबल रखे, थोड़ा कम कमाए, बिकॉज उस समय आपको एक एडवांटेज मिलता है कि अगर सिचुएशन खराब भी हो गई तो आप निकल पाए हुए उस सिचुएशन से, तो वैसे देखना चाहिए। हाँ, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आपको अलग से मिल जाता है एनुअल रिपोर्ट में, ऊपर लिखा होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन देखना। टेस्ला इज अ नो ब्रेनर, 2018 में कंपनी लॉस दिखा रही है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन उसका पॉजिटिव हो गया है, आप वो स्टॉक ले सकते थे, 10 गुना पैसा बन गया। हमारे पीएमएस में हमने स्टॉक लिया, पीएमएस वालों को पता होगा कंपनी अभी लॉस की है, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस उसका पॉजिटिव है, आप जाकर देखना, जो अभी लास्ट हफ्ता 10 दिन में हमने स्टॉक लिया है, यही है, वो उसी कंसेप्ट से लिया है, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन अगर पॉजिटिव हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोलते हैं ना कि भाई संकट के समय भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। सो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज लाइक गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर धंधा में पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पैसा कितना लेकर आए हो, वो देखना पड़ेगा आपको। राजेंद्र धवन का तो हो गया हमारा क्वेश्चन। हाँ,
आई हैव टेस्ला, शॉपिफाई एंड इनवाइटी. टेस्ला इज 75% ऑफ माई पोर्टफोलियो. शहजीद बोल रहे हैं, मुझे शॉपिफाई समझ में आता है कि अच्छी कंपनी है, इनवाइटी मुझे एकदम ही आइडिया नहीं है. टेस्ला तो क्या टेस्ला है, टेस्ला इज गॉट नो कंपैरिजन. आई थिंक टेस्ला का टाइम आ रहा है टू मेक मनी. सो दैट इज वाई अभी जो आपको देखना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि टेस्ला टाइप स्टॉक आपके पास है तो अभी तक तो इसका काम ही स्टार्ट नहीं हुआ. काम इसका स्टार्ट होगा जब इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो उसके बाद, उसके पहले तो आई डोंट थिंक टेस्ला में कुछ मूवमेंट ही आई है. और क्योंकि एनवीडिया हाई मार गया, माइक्रोसॉफ्ट हाई मार रहा है, एप्पल हाई मार रहा है, अमेजन नीचे है, टेस्ला नीचे, सब हाई मारेंगे. ऐसा नहीं हो सकता है कि दो बच्चे शादी में जाए बाकी घर बैठ के होमवर्क करें. सब जाएंगे शादी में, कोई लेट जाएगा, कोई जल्दी जाएगा, जो लेट आया था वो लेट जाएगा, जो जिसके कपड़े अभी तक धोबी लाया नहीं है प्रेस करके वो लेट जाएगा. तो टेस्ला और अमेजन ऐसे हैं, इनके कपड़े अभी तक धोबी लाया नहीं है प्रेस करके, अभी सूट वूट पहन के पहुंचेंगे शादी में, आप चिंता ना करें. रिकमेंडेशन कुछ नहीं है भाई, कल घट जाए तो मुझे मत पकड़ लेना, मैं तो एंटरटेनमेंट करता हूँ. मेरे एंटरटेनमेंट के पीछे आपका पैसा बन जाए तो ठीक है, अगर मेरे एंटरटेनमेंट के पीछे आपका नुकसान हो जाए तो माफ कर देना. ये सोचना कि एंटरटेनमेंट जेन्युइन था, गलत हो गया, आप क्या करें. मनोदीप कुंडू बोलिए जी. कुंडू जी बोल रहे हैं ये, हाउ टू रिलेट इन्फ्लेशन विद बॉन्ड मार्केट एंड स्टॉक मार्केट. वाह भाई वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इन्फ्लेशन, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये तो मतलब बहुत ही इंट्रिकेट चीज है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्फ्लेशन आएगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन चाहिए नहीं, आरबीआई जो सेंट्रल बैंकर उसको इन्फ्लेशन चाहिए नहीं. इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो आपके पास पुराने इंटरेस्ट रेट वाले जो बॉन्ड प्राइसेस थे 3% वाले, क्योंकि अब बाजार में इंटरेस्ट रेट 5% हो गया, उसका दाम है नहीं, उसका दाम घट जाएगा. सो बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड प्राइसेस विल फॉल व्हेन इंटरेस्ट रेट्स गो अप. व्हेन बॉन्ड प्राइसेस फॉल एंड इंटरेस्ट रेट्स गो अप, नॉर्मली इन्फ्लेशन के कारण स्टॉक मार्केट खराब होता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट से लिक्विडिटी गायब होती है. देखिए 80-90% पैसा शेयर बाजार में हर वक्त रहता है. जो तेजी मंदी बनती है ना लिक्विडिटी के कारण, वो इसलिए बनती है बिकॉज इंक्रीमेंटल 20% पैसा जो है वो आता है तो तेजी बन जाती है, वो इंक्रीमेंटल 20% पैसा निकलता है तो मंदी बन जाती है. तो वो हिसाब से आपको देखना चाहिए. और सेकेंडली, स्टॉक मार्केट में जब इन्फ्लेशन कम होता है तो ही तेजी आती है. अपने सोचे कि हाँ इन्फ्लेशन ऊपर है नीचे है, हो जाएगा, मैनेज होगा नहीं होगा, वो दूसरी बात है. बट इन्फ्लेशन जब गिरेगा तो ही तेजी आएगी, इन्फ्लेशन जब तक ऊपर रहेगा तो तेजी नहीं आएगी. इन्फ्लेशन गिरने के आसार जब हो जाएंगे, पीपल विल थिंक यार अब तो इन्फ्लेशन गिर सकता है, तब भी तेजी आ सकती है. तो वैसे देखना चाहिए. मोनिल परमार कह रहे हैं, सर विच बिजनेस मॉडल इज बेटर, कंपनी इज एक्सपेंडिंग इट्स बिजनेस विथ एक्वायरिंग एसेट्स लाइक डीमार्ट. डीमार्ट एक्वायर कहाँ करती है एसेट, हाँ अपना स्टोर एक्वायर कर रही है, बस इस कंपनी एक्सपेंडिंग बट नो एसेट. फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल, देखो भाई बायस माइंड है, मुझे डीमार्ट ज़्यादा बेटर लगता है. फ्यूचर रिटेल तो नो एसेट, और उसके साथ उसका बिजनेस भी नहीं था ना. डीमार्ट कम से कम उनके पास एक स्ट्रैटेजी है. रिलायंस रिटेल तो मुझे पता ही नहीं क्या करते, बट रिलायंस रिटेल का जब आप बिजनेस मॉडल देखो, जब आप चेक करो, तो ये देखना कि जो जियो का कलेक्शन होता है, जो ये लोग जियो का बिल पेमेंट करते हैं, तो जियो के स्टोर से जो ये बेचते हैं सामान, वो सब उन्होंने रिटेल में डाला है, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली रिटेल इन द सेंस, बिकॉज जियो इज अ पार्ट ऑफ द टेलीकॉम वेंचर. जब ये टेलीकॉम का पेमेंट कर रहे हो जियो में, तो उसको रिटेल में आता है. आपके पास जियो का बिल आता है तो आप जरा चेक करें क्या नाम से बिल आता है. तो मुझे लगता है कि डीमार्ट का बिजनेस मॉडल स्लो एंड स्टडी है, क्विक नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा, बट आपको मंजिल तक पहुँचा देगा. बट रिलायंस रिटेल तो मुझे पता नहीं कैसे इसको एनालाइज करना चाहिए, मल्टीपल बिजनेसेस है, बहुत कुछ कर रहा है. और फ्यूचर रिटेल तो खैर टाइटाफिस हो गया, तो उसका क्या बात करें. मनोज कुमार गुप्ता, सर आपको क्या लगता है पीबी फिनटेक एंड पेटीएम इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ये स्टॉक्स चलेंगे. फिर स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पीबी फिनटेक के पास ज्यादा पैसा आएगा, बिकॉज लोग इंश्योरेंस जो है वो करें या नहीं करें. बट इसका DCF मॉडल में जब हम डिस्काउंट करते हैं स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट से, तो वो वैल्यूएशन बढ़ा देगा. तो अगर इंटरेस्ट रेट 6% है तो पीवी फिनटेक का अगर फेयर वैल्यू मुझे 600 दिखा रहा है और इंटरेस्ट रेट 3% है, तो पीवी फिनटेक का इंटरेस्ट रेट का जो कंप्यूट करके जो फेयर वैल्यू है वो 600 के बजाय मुझे शायद 900-1000 भी दिखा दे. तो इंटरेस्ट रेट घटने से लॉन्ग डिस्टेंस अर्निंग स्टॉक पीवी फिनटेक पेटीएम टाइप चलेंगे, ये हिसाब से देखना चाहिए. Kindly help with Edelweiss. I bought at 300. I am stuck. What to do? देखो भाई सुमित शाह जो आप पूछ रहे हैं, इसका स्टॉक का एडवाइस मैं नहीं दूंगा, बिकॉज Edelweiss मेरे हिसाब से बिजनेस मॉडल खराब हो गया है, ब्रोकन बिजनेस मॉडल है. ये ARC में गए थे, बहुत जोर से काम करने, और ARC मतलब कि
गंदे एसेट्स खरीदो और उसको फिर उठाकर बेचो, बट वो उसका उस ढंग से काम चला नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि एडलवाइस के हिसाब से आपको देखना चाहिए। अब ठीक है, आप ऊंचे दाम में लिए हो तो आप वेट कर सकते हो कि अब कब करें क्या करें, बट मुझे नहीं लगता इसमें वापस रिकवरी उतनी फास्ट और क्विक आएगी। कुंडू जी का सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है, मनोदीप कुंडू सर, व्हाट टाइप ऑफ सेक्टर शुड नॉट चूज इफ आई वांट टू मेक बिग मनी इन मार्केट। बहुत सिंपल, हाई ग्रोथ विद नेगेटिव कैश फ्लो। हाई ग्रोथ विद नेगेटिव कैश फ्लो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फटेगा और स्टॉक जीरो की तरफ पहुंचेगा। हाई ग्रोथ विद नेगेटिव कैश फ्लो वाली कंपनियां जो है आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको नेगेटिव कैश फ्लो दिख जाएगा बैलेंस शीट से, नहीं दिखेगा तब हमारा चैनल देखिए, हमें क्वेश्चन पूछिए, हम आपको बताएंगे किसके पास नेगेटिव है किसके पास पॉजिटिव है। मजाक की बात और है, आरओई अगर कम है और ग्रोथ ज्यादा है तो प्रॉब्लम है, बट आरओई के साथ भी कई बार आरओई आपको नहीं दिखाता है, बिकॉज आरओई नेट प्रॉफिट पे आता है और कैश फ्लो नेट प्रॉफिट से उतना लिंक नहीं है। नेट प्रॉफिट के साथ एडजस्टमेंट करते हैं फिर कैश फ्लो आता है। तो टेस्ला का एग्जाम्पल लें तो 2018 में था, वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो गई थी, कंपनी फिर भी लॉस दिखा रही थी, स्टॉक वहां से 10x हो गया। कैश फ्लो पॉजिटिव होने पर स्टॉक लेना है, प्रॉफिट तो होता रहता है ऊपर नीचे, वैसे देखना चाहिए। अगर आप कुंडू जी, अगर आप बोल रहे हैं कौन से सेक्टर में आपको नहीं लेना चाहिए, मेरे ख्याल से इंफ्रा इज अ डर्टी सेक्टर टू बाय, मेटल इज अ डर्टी सेक्टर टू बाय अनलेस आप एंट्री और एग्जिट कर पाए, और खराब सेक्टर होते हैं, शिपिंग हो गया खराब सेक्टर, अच्छे सेक्टर है कंज्यूमर, अच्छा सेक्टर है आईटी सर्विसेज, इनोवेशन अच्छा सेक्टर है, उसके बाद अच्छा सेक्टर अगर आप मुझे पूछेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा है। बेवरेजेस सेक्टर स्कोप इन इंडिया, तुषार गौर, बेवरेजेस का मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हो, बट टी तो फुल्ली सैचुरेटेड है इंडिया में, तो लोग चाय तो सालों साल से पिए जा रहे हैं, उसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ और कोई खास कुछ होएगा इसमें, बट नॉर्मली उसमें ग्रोथ नहीं है, प्लस अच्छी खासी कंपनी थी, इन्होंने ज्यादातर टेटली फेटली खरीद लिया जहाँ पे ग्रोथ कम थी, तो मुझे नहीं लगता बेवरेजेस में ज्यादा है, बट अल्कोहल में और ये जो रिलेटेड फील्ड है लीकर में, इधर फिर भी ग्रोथ है, बट उसमें जो सबसे ज्यादा पब्लिक डार्लिंग स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसमें कुछ नहीं हो रहा, सफाई चल रही है, दिवाली की 5 साल हो गया विजय माल्या को इंडिया छोड़े हुए, लेकिन अभी भी वो कंपनी साफ ही हो रही है, कंपनी में ग्रोथ मॉडल आ ही रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कर ही रही है, तो ये सब कंपनियों में आपको मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई बहुत स्कोप है, बिकॉज प्राइस अर्निंग्स रेशियो बहुत हाई है। बट हाँ, एक दो जरूर लीकर रिलेटेड कंपनीज है जो फिर भी 30-40 टाइम्स ट्रेलिंग मिल रही है, थोड़ा डिविडेंड भी देती है, वो सब टाइप की कंपनीज आपको देखनी चाहिए, और छोटा मार्केट कैप भी अगर है तो अच्छा है, बिकॉज वैसे आपको एनालाइज करना चाहिए, नाम में नहीं लूंगा है ऑब्वियसली। तो जॉर्डन मालिक कह रहे हैं सर, इंडियन केमिकल स्टॉक फॉर 5 ईयर्स। देखो, इंडियन केमिकल स्टॉक इज मोर ऑफ अ फंक्शन की चाइना में क्या होता है, चाइना में अगर ग्रोथ नहीं होगा तो इंडिया में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज चाइना में अगर प्रोडक्शन हो रहा है और चाइना ऑलरेडी इंडिया के साथ कंपीट कर रहा है, तो इंडिया में फिर एक कंपटीशन आता है, बट अगर चाइना ठंडा होता है, वहाँ क्लाइमेट इश्यूज होते हैं, वहाँ क्लाइमेटिक रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, तो फिर इंडिया में आप देखेंगे कि फिर भी केमिकल सेक्टर स्टॉक्स अच्छा करते हैं। अंकित सक्सेना बोल रहे हैं सर, हाउ डू यू प्लान एन एग्जिट, वेन टू बुक प्रॉफिट्स, रिसेंटली यू बुक द स्मॉल कैप स्मॉल केस पार्शली, व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट। थॉट प्रोसेस सिंपल था, जो स्टॉक हमने स्मॉल कैप स्मॉल केस में बेचा, फोकस्ड स्मॉल कैप में, वो मुझे लगा 15-16-17% से ऊपर नहीं कर पाएगा, जो हमने इंट्रोड्यूस किया मुझे लगा अभी 25-30% कर रहा है, अगर मार्केट अपटिक में जाएगा तो शायद इंटरेस्ट रेट घटेगा, तो शायद वो 35-40% ग्रोथ भी कर ले, वो थोड़ी सी ऑर्डर बुकिंग टाइप कंपनी है, बट मुझे लगा कि वो ज़्यादा अच्छा करेगा, इसीलिए जितना हमने बेचा थोड़ा कहीं और से भी ट्रिम किया और उसके बाद यहाँ पे किया, और ये प्रोसेस इसलिए होता है कि जो हमने बेचा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जो हमने लिया वो बहुत कुछ अच्छा लग रहा था, बिकॉज स्पेशली बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमें लग रहा है पीक आउट कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जब पीक आउट करेंगे तो ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो जितने ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंपनीज है, जितने कैपेक्स रिलेटेड कंपनीज है, उनको बहुत फायदा होता है, तो इसीलिए हमने इसको बेचा और वो लिया, बिकॉज मुझे लगा कि उसमें ज्यादा ग्रोथ होगा एंड दैट वाज द प्रोसेस। और कई बार जरूरी नहीं है कि किसी में प्रॉब्लम हो तो ही आप उसको चेंज करें, कई बार कुछ बेटर मिलता है तो ही आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, लाइफ में ऐसा ना करें, सिर्फ स्टॉक मार्केट में रखें कि कुछ बेटर मिल गया तो चेंज करने का काम सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए, नो रेफरेंस टू एनीथिंग एल्स। चलो भाई, सौरभ राजपूर कह रहे हैं सोलार इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताओ। सोलार इंडस्ट्रीज काफी अच्छी कंपनी है, अगर आप मुझे पूछेंगे तो इसका अब बिजनेस मॉडल एनालिसिस करें तो गवर्नमेंट को बेचती है, एक्सप्लोजिव्स बनाती है, काफी इनका डोमिनेशन है अपने फील्ड में, तो वैसे बिजनेस हम अभी बिजनेस मॉडल एनालिसिस करें, वैल्यूएशन नहीं देख रहे, वैल्यूएशन कुछ भी हो, बिकॉज हमारा दिमाग अभी
इवेंट का ये है कि हम बिजनेस के हिसाब से समझे बिजनेस कितना अच्छा है। तो सोलारो एक्सप्लोजिव्स को ये, और इंडिया में माइनिंग जितनी बढ़ेगी सब इसके एक्सप्लोजिव्स यूज होंगे, तो डैट इज गॉट अ ग्रेट फ्यूचर अगर आप मुझे देखेंगे तो पूछेंगे तो। राहुल कुलकर्णी, ब्रांड कंसेप्ट बिजनेस मॉडल गुड और बैड? गुड एंड बैड दोनों। ब्रांड में स्केलेबिलिटी नहीं होती है, मतलब अगर आप एक ब्रांड बोले तो आप कौन सा ब्रांड में लो, मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे गुची समझ आता है, गुची अच्छा ब्रांड लगता है मुझे, फेवरेट भी है आप ऐसे समझो, तो उसमें आप स्केलेबल नहीं हो सकते बिकॉज इतना ऊंचा है, इतना महंगा है, कितने जन गुची खरीदेंगे तो। बट लेकिन उसमें ये जो खरीदने आएगा ना उसके पूरे पैसे बनेंगे आपको, बिकॉज आप पूरा 70% 80% ग्रॉस मार्जिन पे बेचते हो सामान। तो ब्रांड कंसेप्ट में स्केलेबिलिटी नहीं होती है, बट आप उस टाइप के बिजनेस में, उस गुची टाइप के बिजनेस में या लुई विटॉन के बिजनेस में, एयरमेस के बिजनेस में आप मार्जिन ज्यादा बनाते हो, बहुत मोटा मार्जिन बनाते हो। जब आप नीचे आते हैं, आप रिलैक्सो की चप्पल बेच रहे हो या गुची के जूते बेच रहे हो, रिलैक्सो की चप्पल बेचोगे तो कितना कमा लोगे यार आदमी से? आपको तो कॉम्पिटिशन करना है, बाटा में आपको कॉम्पिटिशन करना है, बट अगर आप अप द स्केल जाओगे तो फिर ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। तो ये दोनों के एंगल से आपको देखना चाहिए। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं सीता गुप्ता, सर 5 लाख को 1 करोड़ बनाने के लिए 5 साल में किस सेक्टर में और कितने कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगा, प्लीज सजेस्ट। देखो सजेशन बिल्कुल नहीं है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये जो एक स्टॉक मैं अभी देख रहा हूँ, मैं लिया नहीं हूँ, खैर पैलेंटेयर अमेरिका में है, हमारे पास जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं कृपा करके उस स्टॉक को एनालाइज करें और मुझे बताएं कैसा लगता है आपको, बिकॉज मुझे समझ में काम आता है बिजनेस मॉडल कैसे चलता है इसका, बट पैलेंटेयर मुझे लगता है ये शायद 10 गुना हो सकता है 5 साल में। रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ नहीं खरीदा ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा खरीदने का, मैंने एक थ्रो किया एक आइडिया कि आप डिस्कशन के लिए आप इस स्टॉक के बारे में सोचें समझें, आप देखें इसको कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ऐसे काफी स्टॉक्स हैं। अब जैसे इसका एक पैलेंटर है, इसका कंप्लीटली उल्टा भाई, इसका मामा का बेटा जो कुछ करता ही नहीं है, आराम से बैठ के काम करता है, वो फ्रैंको नेवाडा, वो बैठ गया गोल्ड की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड माइनिंग कंपनी में स्टेक ले लिया, रॉयल्टी कमा रहा है, बैठ के खा रहा है। ये मेहनती, ये सुबह से शाम, सुबह लोकल ट्रेन पकड़ रहा है, बोरीवली से उधर जा रहा है, उधर काम कर रहा है, इसके डब्बे वाले इसका खाना भेज रहा है, पूरा मेहनत कर रहा है। ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, वो तो फिर भी बैठे बैठे कमा लेगा, बट ये सब टाइप की कंपनीज आपको देखनी चाहिए तो आपको एक सेंस आएगा कि क्या होता है। बट हाँ, एनवीडिया मुझे लगता है कि बहुत ओवर प्राइस हो गया, ये शायद उस लेवल में नहीं चला जाए, मुझे आइडिया नहीं है, हम जस्ट देख रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। हमारे आईटी वाले जितने हैं यहाँ पे जो आर्टिफिशियल एआई को समझते हैं वो बताएं, और इसको डिफेंस में बहुत काम मिलता है, यूक्रेन गवर्नमेंट से इनको काफी काम मिला, यूएस डिफेंस से इसको ऑर्डर मिलता है, तो वो उस एंगल से इसको रिसर्च करना चाहिए। तो 5 करोड़ से, सॉरी, इनको 5 लाख से 1 करोड़ बनाना था 5 साल में, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आप जरूर देखें और फिर बताएं क्या लगता है। रॉब एयर ट्रेडर, सर प्लीज प्लीज स्पीक अबाउट बिजनेस साइकिल ऑफ पेपर स्टॉक्स लाइक जेके पेपर। देखो ये जेके पेपर जैसा बिजनेस स्टॉक, बिजनेस साइकिल जो है आपको अच्छा ही दिखेगा, बट वो फिर सिक्लिकल है, पेपर कभी बाहर से आता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, तो आपको उसमें कोई खास आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। एक सेकंड, थोड़ा स्किप हो गया, ये व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। हाँ, कविराज सूर्यवंशी, बढ़िया नाम है सर। सर व्हाट इज योर टेक ऑन, देखो भाई आप किसी और के पोर्टफोलियो के बारे में आप मेरा टेक मत लें, मेरा टेक यही है कि कॉफी पीजिए और यूट्यूब पे वीडियो करिए, मजे करिए, किसी और के बारे में आप फिर से क्यों पूछते हो, ये तो अपने आप पता चल जाएगा कौन सा क्या अच्छा है कौन सा नहीं है। बट हाँ, कॉफी और इक्विटी इन्वेस्टिंग का मेरा बहुत अच्छा है रिलेशन है, मैं कॉफी पीता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, ग्रीन टी पीता हूँ, इक्विटी इन्वेस्टिंग हम करते हैं आपको पता ही है, कोई इसमें दूसरा मतलब नहीं निकालना है। चलो भाई आगे, दिनकर जी कह रहे हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस? क्या यार, ये तो हम लोग बाद में भी कर सकते थे दिनकर जी। ईपीएस ये हुआ कि अभी का अर्निंग पर शेयर, डायल्यूटेड ईपीएस ये हुआ कि अगर आपने ईसॉप दिया, आपकी इक्विटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं, उसके बाद आपके ईपीएस क्या होगा। तो डायल्यूटेड ईपीएस हर वक्त अभी के ईपीएस से कम होगा, क्योंकि आगे जाके नंबर ऑफ शेयर्स जब बढ़ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको ईपीएस कम हो जाएगा, तो वैसे देखना चाहिए। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन लो पी एंड हाई ईपीएस, एग्जाम्पल एम्फोसिस एंड टाटा केमिकल। एम्फोसिस को एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे सुनते हैं कि यूएस में बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका बहुत एक्सपोजर है,
तो एम्फेसिस अभी हम देखे भी थे कि ले कि नहीं ले, फिर हम बोले यार बहुत झमेला इसको लेकर, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कुछ हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा रिकवरी एम्फेसिस में आएगा क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में यूएस में प्रॉब्लम है, इसके क्लाइंट्स को प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो एम्फेसिस में जो रिकवरी आएगी दूसरे स्टॉक्स में आपको शायद नहीं मिलेगी। तो कई बार आपको लगता है कि ये स्टॉक में प्रॉब्लम है लूं कि नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम चली जाएगी तो भाव भी आपको कौन से देने पड़ेंगे, क्लैरिटी वाले देने पड़ेंगे। तो इसीलिए आपको हर वक्त कोई भी आप कंपनी एनालाइज करो, आप इतने हड़बड़ हड़बड़ में इसको डिसमिस ऑफ नहीं कर सकते कि अरे इसको प्रॉब्लम है छोड़ बंद नहीं लेंगे। प्रॉब्लम है तभी शायद आपको ये भाव मिल रहा है, अगर प्रॉब्लम चला जाएगा तो भाव भी इसका 30-40% ऊपर हो जाएगा। एज यूजल रिकमेंडेशन कुछ नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीत चौधरी का है। सर आई एम इन्वेस्टेड सिंस 2018 एंड माई पोर्टफोलियो इज अप 102%, बट आई हैव ओनली 3 स्टॉक्स, ऑल आर स्मॉल कैप्स, प्लीज सजेस्ट मी, कैन आई डाइवर्सिफाई मोर, माई पोर्टफोलियो साइज इज नाउ 40 लैक्स, आई वुड लाइव लव टू नो आपके पास कौन से स्टॉक्स है, आप प्लीज डाइवर्सिफाई ना करें, मतलब मुझे होल्ड मत करना, रिकमेंडेशन तो ऑब्वियसली मैं दूंगा नहीं, बट आई वुड लव टू नो आपके पास स्टॉक्स कौन से, और बहुत ही जबरदस्त है आपका, अगर आपका इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर यू डोंट जस्ट डाइवर्सिफाई फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। 2018 5 साल में आपने डबल किया है, आपका ऐसे रिटर्न आपको लगेगा कि ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, 15% CAGR है, आई थिंक आपके पास लार्ज कैप्स है और बहुत स्टेबल कंपनीज है, और 40 लाख पोर्टफोलियो का कम नहीं होता है, आप इसको भी अगर डबल कर दोगे अगले 5 साल में तो आपका 80 लाख 90 लाख करीब हो जाएगा, सो बाई 2030 यू विल हैव 1 करोड़ रुपीज, और एकदम श्योर शॉट हो जाएगा। कई बार शॉर्टकट टू सक्सेस हम लेने जाते हैं लेकिन शॉर्टकट का जो रास्ता रहता है वो बहुत प्रॉब्लम वाला रहता है, तो आपको वो एंगल से एनालाइज करना चाहिए स्टॉक्स को, बजाय कि आप ठीक है अभी मैं डाइवर्सिफाई कर लूं क्योंकि मेरे पैसे बढ़ गए घट गए, वैसे नहीं देखना चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सर अभी स्टील सेक्टर कैसा दिख रहा है, अभी इन्वेस्ट किया जाए या नहीं स्टील सेक्टर में? देखो स्टील सेक्टर में दो चीजें हैं, आप अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से देखोगे तो स्टील सेक्टर जो है अभी तो मुझे लगता है कि काफी कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो स्टील सेक्टर विल बेनिफिट, लेकिन अगर आप स्टील सेक्टर अगर आप देखोगे कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से कैपेसिटी बहुत आ रही है स्टील में, तो अगर कैपेसिटी बहुत आएगी स्टील में तो फिर नया सप्लाई आएगा और ये सब डिमांड सप्लाई का गेम होता है, और डिमांड सप्लाई का अगर गेम होगा तो फिर ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इनकी प्राइसिंग पावर खराब हो गई और प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे लगता है स्टील सेक्टर अच्छा करेगा, रीजनेबल करेगा, बट स्टील सेक्टर में भी कॉन्स्टेंट ग्रोथ कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि JSW स्टील रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है हमारे, कोई स्मॉल केस में हो सकता है, शायद निफ्टी वाले में होगा, तो वो फिर भी स्टेबल सेट कंपनी है जो आगे पीछे बढ़ती रहती है, अपना काम करती रहती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टील में सब प्रॉब्लमेटिक कंपनी ज्यादा है, तो वैसे देखना चाहिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा करेगा, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स रिकमेंडेशन ऑब्वियसली कुछ नहीं है, बट आपको देखना चाहिए कि ये स्टॉक आप किस मोमेंट पे लें, बट दे आर डूइंग वेल जो मुझे लगता है। मीत चौधरी कह रहे हैं सर इंफ्रा स्टॉक कंपनी कब चलेगी? देखो इंफ्रा स्टॉक कंपनी बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें तो नेगेटिव कैश फ्लो होती है, आपको उधार देना पड़ता है, आपको प्राइसिंग पावर होता नहीं है, L1 पे टेंडर मिलता है तो आपके पास पैसा भी नहीं मिल रहा है, बिकॉज आपको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला कम दाम पे मिला, आपको उधार भी देनी पड़ रही है क्योंकि उधार आप दे दिए तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद आपको रिटर्न नहीं बन पा रहा है, तो ये इंफ्रा टाइप कंपनी जो है ये टेम्प्रेरी चलती है, खाओ पियो खिसको वाली कंपनी है केपी के, इसको आप लेकर रखेंगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा, बट आपको इसको लेना है और जब तक रखना है जब तक आपके पैसे बन रहे हैं, एक बार पैसा बनना खत्म हो गया तो फिर आपको इसको फिर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, आपको निकल जाना चाहिए, बिकॉज आप इसको 10 साल रखेंगे तो आपका पैसा बनना बहुत मुश्किल होता है इंफ्रा कंपनी में। दिनकर जी कह रहे हैं व्हाट टू डू इफ ए कंपनी वेयर प्रमोटर होल्डिंग इज ओनली 2% और बिलो 10%? कोई प्रॉब्लम नहीं, इंफोसिस में ऐसा ही है, अमेरिका में आप देखें कंपनी में ऐसे ही होती है, प्रमोटर होल्डिंग कम होती है, कोई ज्यादा होती भी नहीं है प्रमोटर होल्डिंग, ये तो हमारे यहाँ का एक खास बात है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है कंपनी का भर भर के लगा देते हैं, कंपनी का प्रमोटर 75% तक होल्डिंग रखती है, अमेरिका में तो 75% का कंसेप्ट ही नहीं है, वहां तो बोलते हैं लोग कि अगर तुम 75% होल्ड कर सकते हो कंपनी का तो 100 ही रख लो भाई, तो 25 के लिए मार्केट में क्यों लाए हो, तो वो देखना चाहिए। राज कह रहे हैं रेलवे सेक्टर व्यू, IRFC, IDFC, फर्स्ट बैंक, CDSL, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कंपनी लाइक मैप माई इंडिया? मैप माई इंडिया लॉट्स ऑफ प्रॉमिस वेरी लिटिल डिलीवरी, अगर आप मुझे पूछे बाकी स्टॉक्स पे तो रिकमेंडेशन नहीं है, हम डिस्कस कर चुके हैं काफी बार, बट मैप माई इंडिया टू मच प्रॉमिस एंड वेरी लिटिल डिलीवरी, अगर आप उस एंगल से देखेंगे तो हाँ बोलते हैं ड्रोन आएगा ये आएगा वो आएगा, 5 या 10 ईयर व्यू है तो स्टिल इट्स ओके, बट ग्रोथ नहीं आ रही है कंपनी में जिस हिसाब से आनी चाहिए। बीकन देबरना कह रहे हैं सर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कैसे गिर गया, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई सच स्टॉक्स?
बेयर मार्केट में जो थोड़ा सा भी टेंटेड होता है उसको गिरने का कोई लेवल नहीं होता है, वो गिरता ही रहता है, और बुल मार्केट में वही स्टॉक वापस डबल हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप बेयर मार्केट है और अगर आप बुल मार्केट का वेट कर रहे हो तो आप ऐसा स्टॉक रखें, ऐसा स्टॉक लें जो आपको ये लगेगा कि गंदा है और अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसमें मेजर रिकवरी होगी। क्योंकि जब मार्केट घटता है तो लोग थोड़े से भी जो शेकी स्टॉक्स होते हैं जहां उनको थोड़ा फ्यूचर कम नजर आता है वो बेच के वो ऐसे स्टॉक लेते हैं जहां वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। सो मार्केट घटते पे लोग एचयूएल, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया इस टाइप स्टॉक ज्यादा लेते हैं, और मार्केट बढ़ने पे वापस वो बी ग्रेड सी ग्रेड कंपनीज में आ जाते हैं। तो वो एक एनालिसिस का एंगल है जो आपको देखना चाहिए, बट अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन भी जरा देख लें, एक सेकंड। हाँ सर, हाउ टू एनालाइज लॉन्जिविटी ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज? ब्रिलियंट क्वेश्चन, यश सास्ते बोल रहे हैं। लॉन्जिविटी आप ऐसा देखें, अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है तो लॉन्जिविटी बहुत है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है और ग्रोथ है तो लॉन्जिविटी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों थ्रेटेंड होगी। आरओई कम है तो प्रॉब्लम है, आरओई अगर ज्यादा है तो ठीक है, तो आरओई और ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताएगा, बट आरओई भी उतना डेफिनेटिव नहीं है जितना ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताता है, बिजनेस मॉडल के हिसाब से बताता है। और आपको देखना अमेरिका में ऐसी कंपनी कितने साल चली है, अगर आप एक कोई टीवी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ले लिए, कोई नेटवर्क वाली कंपनी ले लिए, जो एक दूसरे, एक नेटवर्किंग इफेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक। अब फेसबुक की लॉन्जिविटी जब तक है जब तक ऑर्कुट ने जैसे फेसबुक को साइड किया, फेसबुक कोई साइड नहीं करे, लेकिन वो प्रमोटर बहुत स्मार्ट है, उसने इंस्टाग्राम को उठा लिया, उधर उसको स्केल अप किया, व्हाट्सएप ले लिया साथ में। तो इस ओवरऑल सिनारियो में लॉन्जिविटी का ऐसा एंगल समझ आता है आपको कि कंपनीज, अगर आप फेसबुक पे अकाउंट है आप कोई और जगह नहीं जाओगे खोलने, बिकॉज आपके सारे दोस्त फेसबुक में है, तो उस कारण आप फेसबुक से चिपके हुए हो। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग इफेक्ट, आप छोड़ के नहीं जाते हो। ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ है, बट लॉन्जिविटी नॉर्मली ये होती है कि आपको बिजनेसेस से पता चलेगा अमेरिका में ऐसा बिजनेस कितने साल रहा है, अगर वहां पे रहा है तो यहाँ पे भी रहेगा, अगर वहां नहीं रहता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। सर जोमैटो कैसा है लॉन्ग टर्म में? वो घाटा कर रहा है, घाटा करने के लिए उसको पैसा चाहिए, मुझे नहीं लगता। जोमैटो का घाटा इसके हाथ का घाटा नहीं है, बिकॉज स्विगी रेट घटाता तो जोमैटो को रेट घटाना पड़ता है, अगर स्विगी रेट बढ़ा देगा तो जोमैटो बढ़ा देगा, और जब टू प्लेयर थ्री प्लेयर मार्केट होता है तो उसमें हर वक्त प्रॉब्लम होती है। ब्लिंकिट में फिर ये प्रॉब्लम में अभी थोड़ा घाटा कर रहे हैं, तो बोल तो रहे कि लोग नेगेटिव वर्किंग, ये जो नेगेटिव कैश फ्लो इसको ठीक कर लेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव आ जाएंगे, लेकिन मुझे पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अभी मार्केट में इतने अपॉर्चुनिटीज है, आप एक के साथ रहोगे तो मुश्किल ही होता है। वैसे एक और रोहित कुमार बोल रहे हैं, सर डायग्नोस्टिक बिजनेस के बारे में बताएं। डायग्नोस्टिक बिजनेस कोविड के समय तो बड़ा ज़बरदस्त चला, हर आदमी को आरटीपीसीआर कराना, तब तो नाम भी भूल गया आरटीपीसीआर होता क्या था। तो ये प्रॉब्लम है कि अभी ये नॉर्मलाइज ग्रोथ पे आ गई है, वैल्यूएशन इसकी अब नॉर्मल रह गई है बट ग्रोथ नॉर्मलाइज हो गई है, तो मुझे नहीं लगता डायग्नोस्टिक बिजनेस में जो डॉक्टर लाल टाइप कंपनीज है या थायरोकेयर टाइप कंपनीज है, अबव एवरेज रिटर्न और अबव एवरेज गेंस कुछ होगा, जो बनना था मुझे लगता है बिहाइंड अस है। बट हाँ ठीक है, स्टडी 8-10%, 12% चल गया तो चल गया, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसमें डर ये है कि इसका वैल्यूएशन कहीं नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। तुषार गौर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सर हाउ टू बाय कंपनी मेकिंग लॉस फॉर टर्न अराउंड? टर्न अराउंड जब बनाए, जब उसका ग्रॉस मार्जिन ज्यादा और एबिटा में लॉस कर रही हो तो भी ठीक है, अगर ग्रॉस मार्जिन भी कम है और एबिटा भी कम है तो प्रॉब्लम है। और टर्न अराउंड में अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है और लॉस कर रही है तब तो गारंटीड वो कंपनी घूम जाएगी। गारंटी कुछ नहीं होता शेयर बाजार में, बट स्टिल मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसका नेगेटिव है और लॉस भी कर रही है तब तो डबल प्रॉब्लम है, फिर तो उसको घाटा के लिए पैसा कौन देगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आपको देखना चाहिए, बट टर्न अराउंड नॉर्मली जब होता है जब बिजनेस इटसेल्फ टर्न अराउंड में आए, फॉर एग्जाम्पल स्टील स्पेस में है और स्टील में हर आदमी लॉस कर रहा है तो टर्न अराउंड हो जाएगा, कंपनियां तो लॉस घाटे में कितने दिन टिकेगी, बट आपकी अकेली कंपनी घाटा कर रही है बाकी सब प्रॉफिट कर रहे हैं, तब तो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, बिकॉज देन यू कैन नॉट सर्वाइव एंड सस्टेन, बिकॉज एवरी वन इज मेकिंग मनी, आप लॉस कर रहे हो, आप अगर रेट बढ़ाओगे तो आपके कस्टमर भाग जाएंगे, अगर सबको ही लॉस कर रहे हैं तो सबको ही धीरे धीरे करके रेट बढ़ा देंगे एंड दे विल ऑल मेक प्रॉफिट्स। तो इंडस्ट्री वाइड लॉस है कि आपको स्पेसिफिक लॉस है वो देखना जरूरी होता है। वैभव माहेश्वरी कह रहे हैं पेपर सेक्टर प्लीज, पेपर सिक्लिकल है, इसमें क्या करोगे, इसमें पेपर पेपर में ये प्रॉब्लम है कि अब ट्रेडर जो है पेपर के वो बेचारे दुखी हो रहे हैं, सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डायरेक्ट जाएंगे कंज्यूमर के पास, तो ट्रेडर को गायब कर देंगे सिस्टम से, तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरर्स विल मेक अ लिटल मोर ऑफ पेपर, क्योंकि डॉलर का वैल्यू ऊपर जाता है, डॉलर लिंक्ड होता है, इंडिया में इंपोर्ट होता है पेपर, तो डॉलर का वैल्यू ऊपर जाएगा तो पेपर कंपनीज विल मेक मोर मनी। अनिल चौधरी कह रहे हैं विच सिनेरियो वी कैन प्रेडिक्ट दैट नाउ ऑनवर्ड्स इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज एंड मार्केट विल बी करेक्टेड इन कमिंग मंथ, डू वी नीड टू ट्रैक इन्फ्लेशन एज वेल? अभी डिक्रीज की बात करो यार, अभी इंक्रीज क्यों होगा? अगर इन्फ्लेशन आपका
10 ईयर यूएस बॉन्ड से ऊपर है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर इन्फ्लेशन जैसे अभी 5% का इन्फ्लेशन है और नियर टर्म ट्रेजरी का जो यील्ड है वो भी 5% के लगभग है, सो दे हैव गॉट इट अंडर कंट्रोल। सो लास्ट 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज है जून में, फिर वो चर्चा चल रही है सितंबर में होगा कि नहीं और दिसंबर में होगा कि नहीं, बट दिसंबर में नहीं होगा, सितंबर में होगा, सितंबर में नहीं होगा, दिसंबर में होगा, इसमें स्ट्रगल नहीं है, 6 महीने का टाइम पीरियड है तो ऑल इज वेल बोलना चाहिए इसमें। अनिल चौधरी तो अच्छा, ये तो इनका क्वेश्चन तो हो गया भाई। सर बजाज फाइनेंस डबल होगा या ट्रिपल इन 4 ईयर्स, इसका बिजनेस मॉडल क्या है? आप बजाज फाइनेंस को अगर आप देखेंगे तो अच्छा, फाइनेंस कंपनीज में आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं देख सकते हैं, इसमें क्रॉस सेल करते हैं ज्यादा, हाउसिंग लोन से पैसा बना रहे हैं, और क्रॉस सेल करने से इनको फायदा ये होता है कि ये एक कस्टमर को अब ये बेचते हैं, वो बेचते हैं, वो बेचते हैं, तो एक ही आदमी को 4 सामान एक्स्ट्रा बेच देते हैं ये। तो क्रॉस सेलिंग में यही होता है कि आपके पास एक कस्टमर आ गया, जैसे ग्रोथ का एक फंडा बहुत सिंपल है, आप ग्रो कैसे करेंगे? कैन यू सेल मोर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, मोर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। सेकेंड, सेलिंग मोर टू न्यू कस्टमर्स, मतलब नए आदमी पकड़ के लाओ, नए डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, ये करो वो करो। सेलिंग न्यू टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो क्रॉस सेल, मतलब आपने इंश्योरेंस के एक स्कीम ली है, आपको मैं होम लोन भी करा दूं, न्यू टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड न्यू टू न्यू कस्टमर्स तो सबसे डिफिकल्ट है। मतलब बजाज फाइनेंस कल बोले कि मैं बैठ कर अब चलो एक होटल खोल देता हूँ, तो वो न्यू टू न्यू है, बिकॉज नया बिजनेस भी है होटल खोलने का। सॉरी, नया बिजनेस भी है होटल खोलने का और नए कस्टमर को भी देना है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो इन चारों क्वाड्रेंट में, अगर पहले 3 क्वाड्रेंट में है तो आप ठीक हैं, अगर आप 4th क्वाड्रेंट में घुस गए देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक को वैसे देखना चाहिए, बट हाँ, स्टॉक मुझे लगता है ग्रोथ तो आएगा ही, बट बिकॉज इंडिया का बहुत बेसिक है, नए कस्टमर एक्वायर करते हैं, उनको एग्जिस्टिंग बेचते हैं, कुछ अपग्रेड करते हैं कस्टमर, पहले कोई 30,000 का सामान लेकर आता है, टीवी लेकर आता है, फिर 50,000 का लेकर आता है, फिर 70,000 का लेकर आता है, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर ही लोन टिकट साइज में एनहांसमेंट लेता रहता है। अंकित सक्सेना, हाउ टू प्ले अ लिटिल सेफ इन योर स्मॉल कैप स्मॉल केस एंड प्ले अग्रेसिव इन योर पीएमएस सर्विसेज और यूज द सेम अप्रोच। सर डू यू प्ले अ लिटिल सेफ, अच्छा मुझे पूछ रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आई प्ले अ लिटिल सेफ बिकॉज ये पब्लिक प्रोडक्ट है, यहाँ लोग 5 लाख रुपए डालते हैं स्मॉल केस में, और मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें कोई रिस्क प्रोफाइल, मुझे ऑफकोर्स पता है बिकॉज आप लोग जब रजिस्टर करते हो तो रिस्क प्रोफाइल लिखते हो, लेकिन एक रिस्क प्रोफाइल बोलने का कुछ और एक रिस्क प्रोफाइल जब एक्चुअल रिस्क आता है तो बोलने का कुछ और होता है। मैं किसी से पूछता हूँ रिस्की पोर्टफोलियो लेना है, हाँ सर लेना, बिल्कुल लेना, और जहाँ वो 5% स्टॉक गिर गया वो फोन और मैसेज शुरू, अरे ये क्या हो गया, अरे हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, अरे ये नहीं वो नहीं, तो रिस्क आदमी को जब तक लेना है जब तक पैसा बनता है, जिस दिन पैसा नहीं बनता उस दिन किसी को रिस्क नहीं लेना, ये दुनिया का नियम है और ये बात है। बट हमारे स्मॉल केस बहुत शानदार कर रहे हैं, वैसे दुकानदारी करनी अलाउड नहीं है, बट चल आपने बात बोला तो मैंने बात किया, मैंने खुद बात नहीं किया भाई, मेरे को मत ब्लेम करना कि सर आप दुकानदारी किए हो। अनीश पटेल, वेरी गुड क्वेश्चन सर, विच सेक्टर कैन नॉट एक्सपैंड पीई एंड विच सेक्टर कैन एक्सपैंड पीई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कौन से सेक्टर में पीई एक्सपैंड हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है। नॉर्मली आप देखेंगे तो इंफ्रा कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, जहाँ आरओई कम है, जहाँ कैश फ्लो नेगेटिव है, जहाँ कंपटीशन है, जहाँ आपका बेसिक ब्रांडिंग नहीं है, जहाँ प्राइसिंग पावर नहीं है, जहाँ एंट्री बैरियर नहीं है, एंट्री बैरियर हो गया कि आप अकेले काम कर रहे हैं, किसी और को घुसने नहीं दे रहे हैं उस काम में, जहाँ ये सब प्रॉब्लम्स है वहाँ पी एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। जहाँ आपको एंट्री बैरियर है, जहाँ आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, जहाँ आप लीस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, जहाँ आपका मोट है, कुछ ब्रांडिंग है आपके सामान का, वहाँ आपको देखेंगे कि आप प्राइसिंग पावर के कारण आपका पी एक्सपेंशन हो जाता है। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आपको समझना है कि कमोडिटाइज बिजनेस का पी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, नॉन कमोडिटाइज बिजनेस में पी एक्सपेंशन फिर भी होता है। वरुण शर्मा बोल रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, चलो भाई ले लिया शर्मा जी, कौन से स्टॉक्स कभी नहीं लेने चाहिए, पर्टिकुलर रेड अलर्ट्स बता दो और कंपनी में देखना है, जो कंपनी में देखना है। सिंपल फंडा है, मुझे बोल लगता है कि इंफ्रा कंपनीज अनलेस आपको बहुत कुछ पता है आपको नहीं छूना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। रियल एस्टेट कंपनीज नहीं लेना चाहिए, हमने भी हाथ जलाए हैं रियल एस्टेट कंपनीज में, नहीं लेना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। सीमेंट कंपनीज अनलेस वो सेक्टर लीडर है, नहीं लेना चाहिए, और सीमेंट ऐसे भी कम लेना चाहिए बिकॉज मार्केट परसेप्शन डिफिकल्ट होता है। तो आप बोलेंगे फिर लेना क्या है, सेम एग्जाम्पल रवि शास्त्री जैसा बने
जो 1985 में चैंपियन ऑफ चैंपियंस बने थे, 1985 ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया गई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट खेलने, वो 3 ही स्ट्रोक अच्छा खेलते थे रवि शास्त्री। वो सीधा बॉल को मारते थे, एक चपाती स्ट्रोक करते थे और एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारते थे, लेकिन फिर भी चैंपियन ऑफ चैंपियंस बन गए। बाउंसर मारते ही रवि शास्त्री डक करते थे, कुछ खेलते ही नहीं थे, कुछ बोलते ही नहीं थे, लेकिन जो आप करते हैं वही काफी है। आपको पैसे बना, मेरा सारा पैसा लाइफ में बना है पैंटालून रिटेल और पेज इंडस्ट्रीज से, सारा मतलब मेजर पैसा। एक में 40 गुना पैसा हुआ और फिर उसके बाद 40 गुना हुआ, मतलब 40 और 40 1600 टाइम्स पैसा हो गया इसी बैक टू बैक में। 1600 टाइम्स का मतलब होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए भी लगाएं तो 16 करोड़ बन जाते हैं। तो आपको 2 स्टॉक राइट मिल गए, आपकी लाइफ बन गई, आपने एलोकेट कर दिया अच्छा सा, और जल्दी से प्रॉफिट ना लें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बट आपको ऐसे ही देखना चाहिए कि जो स्टॉक आपको देखना है वो स्टॉक में आपका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और क्या अवॉइड करना है वो समझ गए तो बहुत ही अच्छा है। एक तो हमने बोलता है ना कि वो चार्ली मंगर का है, ऑल आई वांट टू नो इज वेयर आई एम गोइंग टू डाई सो आई विल नेवर गो देयर। तो बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, कमेंट है उसका, कि मुझे अगर पता चल जाएगा कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ तो मैं कभी यहाँ पे जाऊँगा ही नहीं, तो वैसे देखना चाहिए। एक और जिग्नेश मोरी कह रहे हैं, सर डज अनयूजुअल नेम ऑफ स्मॉल कैप कंपनी में कंपनी मल्टीबैगर्स? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अनयूजुअल नेम से, कुछ नाम में क्या है, व्हाट्स इन अ नेम दैट वी मे कॉल अ रोज वुड बाय एनी अदर नेम स्मेल्ट एज स्वीट, शेक्सपियर ने कहा था। गुलाब को और कोई और नाम से भी बोलोगे तो भी गुलाब की खुशबू आएगी, तो नाम वाम में कुछ नहीं रखा है। हाँ, कई बार क्या होता है नाम देकर आदमी ये क्या नाम है यार, जैसे पेज इंडस्ट्रीज, बहुत जन मुझे बोले अगर जॉकी रहता ना तो मैं ले लेता, तो मैं बोला ये सब तो बोलने की बात होती है कि पेज इंडस्ट्रीज किसी को पता ही नहीं पेज क्या है, कागज का पन्ना है क्या, है क्या नहीं, ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी का तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ रेफरेंस नहीं है। सर हाउ इम्पॉर्टेंट इज पी एक्सपेंशन इन मेकिंग मल्टी बैगर्स? इट इज अ मस्ट इफ शुड अ रिटेल इन्वेस्टर नेवर बाय बिलो 20 पी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पी एक्सपेंशन होता है तो होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। तो पी एक्सपेंशन के समय आपका एक स्टॉक जो है ना वो 50-100 टाइम्स पी भी चला जाता है। तो आपको ये नहीं दिमाग में बनना चाहिए कि 20 पी से ज़्यादा नहीं। कई बार टर्न अराउंड कंपनीज में क्या होती है, आपको ईपीएस एक्सपेंशन हो जाता है। तो कई बार आपकी कंपनी अभी लॉस दिखा रही है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है, लेकिन आपको पता है ग्रॉस मार्जिन अगर 50-55% है, अगर 3 साल 4 साल बाद अगर ढंग से काम किया तो अपने आप एडवर्टाइजिंग कम होगा, ज़्यादा होगा, ले देकर आप देखेंगे आपका आरओई बन जाएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन बन जाएगा। तो उस कंपनी में 50-60-70 का पी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कई बार क्या होता है आपको पी रेशियो जो है, आप अगर खुद ही कैप लगा दोगे कि इससे ऊपर का पी मैं नहीं लूंगा तो आपके हाथ में बढ़िया बिजनेस नहीं आएंगे, बिकॉज बढ़िया बिजनेसेस जितने हैं सब में पी नॉर्मली हाई रहते हैं, पी लो नहीं रहता है उसमें। तो हाई पी स्टॉक्स अगर आप लेंगे तो आपको वो देखना ही पड़ेगा कि हाई पी स्टॉक्स में आरओई है कि नहीं, और कैश फ्लो पॉजिटिव है कि नहीं, और ग्रोथ है कि नहीं। अगर ये सब है तो फिर ठीक है। सर धनंजय राठौर बोल रहे हैं, सर योर व्यू ऑन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मेरे हिसाब से पहले क्रेज आया था, अब उतना क्रेज रहा नहीं इसमें। आप उज्जीवन देखो या इक्विटास देखो, पूरी पब्लिक फंसी है, पूरी इंडिया के पास स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, बट उसमें कोई क्रेज है नहीं, बिकॉज इनको पब्लिक रेगुलेशन भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, और मुझे लगता है स्मॉल फाइनेंस बैंक से ज़्यादा अच्छे जो मिड टाइप बैंक है, जो लार्जर बैंक है, जो थोड़े इग्नोर्ड है, जो 2% ROA कर रहे हैं, वो सब टाइप बैंक देखना चाहिए। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री कैश फ्लो एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो? सी कोले बोल रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्री कैश फ्लो और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो उस बिजनेस का दिनचर्या, सुबह से शाम आपने काम किया, प्रॉफिट कमाया, डिप्रिसिएशन ऐड बैक किया, आपने उधारी दी उसको माइनस किया बिकॉज कैश कम हो गया, आपने उधारी ली उसको ऐड किया क्योंकि कैश ज्यादा हो गया, आपका स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया तो आपका कैश उसमें चला गया, आपने माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक अगर घट गया तो आपका पैसा बच गया क्योंकि आपने ज्यादा माल बेच दिया उसको आपने ऐड किया, ये सब दिन भर का कार्यक्रम करके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोलते हैं हम लोग, ये बिजनेस का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। फ्री कैश फ्लो ये हुआ, इस पैसे को आपने सामने वाली दुकान खरीद ली कि भाई अपनी जलेबी की दुकान अच्छी चल रही है, सामने एक और दुकान खरीद लो, लोग उधर भी खाएंगे इधर भी खाएंगे, हम यहाँ से वहाँ देख लेंगे वहाँ से यहाँ देख लेंगे। आपका बड़ा बेटा जो है वो 23 साल का हो गया, ग्रेजुएशन कर लिया है, दिन भर घर में बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, आप बोलते इसके दुकान में बैठा दो, कम से कम जाएगा, फिर उसकी शादी कराएंगे वहाँ से, कि भाई इनकी 2 दुकान है मेन रोड पे। तो ये आपने स्कीम बनाई, आपने सामने वाली दुकान खरीद ली, तो जो आपने सामने वाली दुकान खरीदी वो आपका हो गया फ्री कैश फ्लो में से पैसा निकल गया। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपने 200 करोड़ कमा, 200 करोड़ जलेबी बेचकर 200 करोड़ थोड़ी कमाएगा, जलेबी बेचकर 2 लाख रुपया कमाया आपने, ऐसा समझो। तो 2 लाख रुपए आपने महीने का कमाया, 24 लाख रुपए आपने साल का कमाया, सामने वाली दुकान आपने 20 लाख में खरीद ली।
सो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो हुआ 24 लाख, सामने की दुकान जो आपने 20 लाख में खरीदी आपका फ्री कैश फ्लो रहा 4 लाख, ओनली 4 लाख्स, बिकॉज वो चार, मैं कन्वीनियंस शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, 4 लाख रहा फ्री कैश फ्लो। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं फ्री कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज़्यादा होना चाहिए और फ्री कैश फ्लो कम होना चाहिए। अब उसमें क्या है, आपने जलेबी बेचकर आपने कमाई 24 लाख अपनी दुकान से, आपने दो दुकानें खरीद ली 20-20 लाख की सामने फुट पर, सो 20 और 20 40 लाख आपने लगा दिए दो दुकान में, नेगेटिव कैश फ्लो 16 लाख्स हो गया आपका। जब नेगेटिव कैश फ्लो 16 लाख्स हो गया तो जो बहुत पढ़े लिखे एनालिस्ट है बोलेंगे ये गड़बड़ हो गया जी, इसमें तो नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। तो उन एनालिस्ट को बोलना है कि ये जो दुकान खरीदी है वहाँ बैठ कर कोई गुल्ली डंडा नहीं खेलेगा, वहाँ पर भी जलेबी कचौड़ी बिकेगी, वो भी रेवेन्यू को ऐड करेंगे आगे के आने वाले सालों में। तो जो 24 लाख्स का आपने जलेबी बेचकर पैसे बनाए, सामने दो दुकान आपने 20-20 लाख की खरीदी, 16 लाख्स का नेगेटिव कैश फ्लो हुआ, इसके बदले अगर आप 24 लाख्स का खुद ही दुकान बनाते और कोई भी दुकान नहीं खरीदते, आपको फ्री कैश फ्लो भी 24 लाख्स होता, क्योंकि 2 लाख रुपये महीना करके आप जलेबी बना रहे हैं, बेच रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो ये सामने वाली दुकान को अगर आप नहीं खरीदेंगे तो 24 लाख्स फ्री कैश फ्लो होगा, लेकिन आगे जाकर ग्रोथ नहीं होगा। जो मैं शुरू में बोला था, आइशर मोटर ने फ्री कैश फ्लो पे फोकस किया, एक्सपेंशन किया नहीं, उसको फायदा हुआ नहीं। टाइटन ने तनिष्क में फ्री कैश फ्लो पे फोकस नहीं किया, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पे फोकस किया और जितना पैसा आया उसको लगा दिया, तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हुआ, पैसा उसमें बना। वापस बताता हूँ, टेस्ला 2018 में लॉस मेकिंग कंपनी, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव। 2020 द कंपनी टर्न्स अराउंड, यू मेक मनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो की, लेकिन जब तक स्टॉक ऑलरेडी अप 10 टाइम्स। तो ये आपको देखना चाहिए। मुझे लगा कि कोलेजी आपको इससे समझ गई होगी बात, जो आपका क्वेश्चन था। अमिताभ चक्रवर्ती, सर बुक किधर मिलेगा, आपके साइट पे ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों ऑर्डर नहीं हो रहा, एकदम होएगा ऑर्डर्स हमारे बुक से ही। अब हम तो भाई बाहर नहीं बेचेंगे, अमेजोन में नकली किताब बेचते हैं लोग, एंड वी डोंट वांट टू डू इट। और 2 दिन में मुझे लगता है नकली किताब वालों की दुकान बंद हो गई, बिकॉज यहाँ पे इतना ऑर्डर आया है, और मुझे लगा या तो लोग कंफ्यूज थे ना क्या थे, या इतना हो हल्ला हुआ तो क्यूरियोसिटी से ऑर्डर कर रहे हैं कि उनको सच्ची में किताब खरीदना है, मुझे पता नहीं। बट थॉटफुल इन्वेस्टर का बुक जो है thethoughtfulinvestor.in के वेबसाइट पे ही आपको मिलेगा, और हम कहीं नहीं डालेंगे। अमेजन ऑफकोर्स हमें बोल रहा है कि आप वापस लोड कर दें अपनी किताब को, लेकिन अब उनके पास कोई कंट्रोल नहीं है जो डुप्लीकेट माल बेचते हैं जो उनको। अब मैंने एक चीज़ देखा यार, इंडिया में नीरव मोदी ने नकली हीरे बेच दिए, तो ये तो किताब ही बेच रहे हैं यार, इसका क्या बोलेंगे आप, मतलब गजब की बात है। वो तो नकली हीरे बेच के निकल गया, तो अगर मैं रोना धोना कर रहा हूँ तो गलत ही कर रहा हूँ। लोगों को तो नकली हीरे मिले हैं, तो नकली किताब मिली है, उसमें क्या है। हाँ, मेरे पास नकली किताब भी यहाँ पड़ी है एक दो, लेकिन मैं आपको इसे दिखाना नहीं चाहूँगा, बताना नहीं चाहूँगा, बिकॉज जो लोग नकली छाप रहे हैं उनको भी पता नहीं है वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। और आप असली और नकली को साइड रखेंगे, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, और वो 2-3-4 महीने बाद आप देखेंगे उसके पेजेस बाहर निकल रहे हैं। तो इसीलिए वो कभी 500 में बेचते हैं, कभी 1800 में बेचते हैं, तो ये सब है। बट द थॉटफुल इन्वेस्टर डॉट इन में आप जाएंगे, और एज यूजुअल जैसे हर एक यूट्यूबर की तरह हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो लिंक, आप जाएं क्लिक करें, किताब खरीदें। चलो भाई, बी देवी, सर विच सेक्टर विल रॉक इन नेक्स्ट रैली, प्लीज हैव एंटरटेनमेंट व्यू ऑन सेक्टर्स। बी देवी, आई मीन मुझे लगता है कि कंज्यूमर फास्ट ग्रोइंग, जो 20% टॉप लाइन 25% टॉप लाइन करे, रिटेल, क्योंकि रिटेल कंज्यूमर जो है वो अभी थोड़ा ठंडा चल रहा है और वो चलेगा। देखो 7.2% GDP ग्रोथ, अगर नंबर सही है तो, अगर ये सबसे बड़ा अगर यहाँ है, अगर वो नंबर सही है तो कंज्यूमर पीछे नहीं रहेगा, कंज्यूमर जोर से आगे भागेगा। अगर ये नंबर में कोई गड़बड़ है तब तो भाई कंज्यूमर भी ठंडा होगा, कैप गुड्स भी ठंडा होगा। तो आपको ये देखना चाहिए, कंज्यूमर सेक्टर मुझे लगता है अच्छा करेगा, बैंकिंग ऑलरेडी कर चुका है, और डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर और अच्छा करेगा। तो ये देखना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ, विजय पाटिल कह रहे हैं, हाउ डू यू डिफर अमेरिकन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन इन्वेस्टर। अमेरिकन इन्वेस्टर रिस्क कुछ भी लेते हैं यार, वो अपना घर द्वार सब बेच बाच के बैठ जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंडियन इन्वेस्टर अगर जहाँ घर छोड़ दो, वो अगर कोई अपना PF तोड़ने लग गया तो उसकी वाइफ उसको घर से बाहर निकाल देगी। तो ये डिफरेंस है तो दोनों में, तो आपको वैसे देखना चाहिए। अमेरिकन इन्वेस्टर का रिस्क लेने का एडवांटेज भी है, उनको माँ बाप का ध्यान नहीं रखना है, सोशल सिक्योरिटी करती है, बच्चों का ध्यान नहीं रखना है, बच्चे खुद अपने ऊपर हैं, अपने उनको हेल्थ केयर का चिंता नहीं है, वहाँ पे भी वो कवर्ड है, तो वो बहुत सॉर्टेड लोग हैं, उनको लाइफ में कोई रिस्क ही नहीं है एक्चुअली। घर ले लिया और उसके बाद तो थोड़ी बहुत पैसे हो गए, गाड़ी हो गई, तो उनकी लाइफ बन गई, फिर तो दे आर थ्रू। तो वो डिफरेंस है अमेरिकन और इंडियन इन्वेस्टर्स के अंदर में।
महंत 24 बोल रहे हैं, सर प्लीज टेल मी पी रेशियो एंड बुक वैल्यू, कौन सा मेट्रिक स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा बताता है? पी रेशियो, अगर दोनों में से एक चूज करना है तो पी बुक, दोनों नहीं, ग्रोथ देखो, ग्रोथ, पैसा ग्रोथ में है, कौन कितना तेज भाग सकता है उसमें पैसा है, पी और बुक वैल्यू में उतना ग्रोथ है उतना आपको नहीं मिलेगा। ANT बोल रहे हैं, सर यार वो ऑन गैस सेक्टर इन इंडिया, मुझे नहीं आइडिया ज्यादा, गैस इंद्रप्रस्थ गैस महानगर बहुत कंस्ट्रेंड है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बट ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड अच्छा देती है, उसके अलावा मुझे गैस के बारे में उतना बढ़िया व्यू नहीं रहेगा, तो आई वुडंट बी एबल टू कमेंट दैट वे। परिचय गोयल कह रहे हैं, सर हाउ डू यू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी रेशियो एंड फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट? ब्रिलियंट, ईपीएस ग्रोथ और फ्री कैश फ्लो ग्रोथ को कंपेयर करो, हमने बालकृष्णा को किया था जहां फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ थोड़ा कम था, ईपीएस का ग्रोथ ज्यादा है, 1500 टाइम्स, मतलब 1 लाख रुपए के 15 करोड़ बन गए, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज BKT सेकंड टाइटन। फ्री कैश फ्लो ग्रोथ कम है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो का ग्रोथ ज्यादा है, अगर वो देखें तो टाइटन 1100 टाइम्स। वैसा आयशर मोटर, फ्री कैश फ्लो ज्यादा है ग्रोथ से, पैट ग्रोथ से, तो पैट ग्रोथ और फ्री कैश फ्लो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो, सॉरी मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात कर रहा था, तो अगर पैट ग्रोथ आप देखेंगे टाइटन में तो उसमें से ज्यादा उसका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ नहीं है, मतलब कि वो जितना पैसा कमाता है उससे ज्यादा री इन्वेस्ट करता, आगे बढ़ता है तभी ज्यादा बढ़ा। आयशर मोटर आगे बढ़ना बंद कर दिया, जितना पैसा कमाता है उतना वो रख लेता है अपने पास, तो उसका ग्रोथ कम हो गया। लेकिन जो आपने पी रेशियो को बोला फ्री कैश फ्लो ग्रोथ के साथ देखना, वो नहीं देखना चाहिए उतना, आपको ईपीएस ग्रोथ और पी फ्री कैश फ्लो ग्रोथ को साथ देखो, फ्री कैश फ्लो से अच्छा मैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखना चाहूंगा, बट ईपीएस और पी तो एक ही हो गया घूम फिर के, तो वैसे आप देख सकते हो। प्रणव मंडलिक कह रहे हैं, सर वी कंसिडर कैश फ्रॉम ऑपरेशन टू इक्विटी इंस्टेड ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी एज अ स्क्रीनर। कैश फ्रॉम ऑपरेशन टू इक्विटी भी कर सकते हो, बट दो फर्क है, लॉस मेकिंग कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव होगा, बट कैश फ्रॉम ऑपरेशन नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बेटर यार्ड स्टिक है अगर आपके पास एक टर्न अराउंड है, अगर टर्न अराउंड है और उसने लॉस किया है और कैश फ्रॉम ऑपरेशन उसका बढ़ गया है तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर टर्न अराउंड है और कैश फ्रॉम ऑपरेशन उसका नहीं बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है मतलब घाटा बढ़ रहा है और कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी माइनस में है, तो फिर आपको वेट करना चाहिए लेने के पहले। पुरुषोत्तम रोती गवाद कह रहे हैं, सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ एआई ऑन आईटी स्टॉक, विच स्टॉक विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम एआई डेवलपमेंट? इंडिया में बहुत रेयरली है कोई स्टॉक, बट पैलेंटियर मैं देख रहा हूँ अमेरिका में, मैंने अभी भी रेकमेंड किया, रेकमेंड नहीं किया भाई, रेकमेंड किया एनालिसिस करने को, वो जरा आप देखो क्या लगता है, मुझे तो लगता है कि पैलेंटियर में कुछ हो सकता है जरूर, बट वैसे ही देखना पड़ेगा, अगर कुछ समझ में आएगा तो भाई ठीक है, बट रिकमेंडेशन ऑब्वियसली कुछ नहीं है। इन्फो एज का बिजनेस मॉडल बताओ सर। इन्फो एज मिनी बर्कशायर हाथवे है, एक उसका ऑपरेटिंग बिजनेस है नौकरी, जहाँ से वो लोगों को बिजनेस में काम कराता है और नौकरियां लगाता है, वहां से उसका काम होता है। एक इन्फो एज के बाद मल्टीपल छोटे 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 बिजनेसेस है जहाँ से 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ डाल के रखे हैं, जहाँ से लोग जो हैं वो इंक्यूबेट के हिसाब से उन्होंने किया, प्राइवेट इक्विटी खोला है, इंडिया का सॉफ्ट बैंक टाइप खोला है और वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जब से जोमैटो और पेटीएम की हालत खराब हुई, इन्फो एज को बाजार में बोला कि तुम्हारी जो जितनी कंपनीज है सब लॉस मेकिंग है, उसमें कितना होगा नहीं होगा पता नहीं, बट मुझे लगता है इन्फो एज इज बेसिकली 15% टाइप कंपनी और बहुत स्टेबल है। खास बात है इसका मैनेजमेंट जो है बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही होशियार और पैसे बर्बाद नहीं करेगा, तो इन्फो एज को अगर आप देखें तो उस नज़रिए से देखना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फो एज जो है वो 15%, 15%, 18% ग्रोथ करेगा, और आईटी सर्विसेज बढ़े या इंडिया में कोई भी बिजनेस बढ़े, ये प्रॉक्सी है टू इंडियाज कमर्शियल डेवलपमेंट, जितना बिजनेस बढ़ेगा हर जगह इन्फो एज की जो नौकरी वेबसाइट है, बाकी वेबसाइट तो ठीक है, शादी वादी कितनी कराते हैं, लोगों को घर कितना दिलाते हैं मुझे पता नहीं, बट बेसिक मनी स्पिनर इनके लिए नौकरी है। राजश्री नायक कह रहे हैं, हेलो बसंत सर, कैन अ स्मॉल कैप कंपनी बिकम अ मल्टी बैगर व्हाइल पी इज इन कॉन्ट्रैक्शन फेज सिंस लिस्टिंग? नहीं, पी कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो मतलब आप बोल रहे हो कि एक एथलीट है, मैं हर दिन उसके बॉडी में आकर मतलब एक बॉटल खून निकाल लूं, क्या वो दौड़ सकता है 100 मीटर 10 सेकंड के अंदर? कैसे होएगा? पी कॉन्ट्रैक्शन फेज में तब तो हो ही नहीं सकता है, मतलब इतना एबनॉर्मल हिसाब से। हाँ, टर्न अराउंड कंपनी बन सकती है, अगर अभी आपको लगेगी लॉस मेकिंग कंपनी है वो, या बहुत कम पैसे बना रही है, टर्न अराउंड हो रही है, बिकॉज टर्न अराउंड कंपनी में क्या होता है, 1 रुपी का ईपीएस 20 रुपीज भी हो जाता है, तो वहां 1 रुपीज के ईपीएस में अगर 300 का पी आपको दिख रहा है तो वो पी आपको लगेगा बहुत ज्यादा, बट वो 20 रुपीज का जब ईपीएस होगा और फिर आपको 60-70 का भी पी मिलेगा तो स्टॉक उसका 1200 पहुंच जाएगा।
तो आपको टर्न अराउंड कंपनीज में पी रेशियो आप छोड़ सकते हो कि भाई छोड़ दो एक बार, पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसे आपको पी कॉन्ट्रैक्शन में मल्टी बैगर बनेगा कभी। बिकॉज देखो मल्टी बैगर में दो चीज़ होती है, एक तो ई पी एस गोज अप बाय नंबर ऑफ टाइम्स एंड द प्राइस अर्निंग्स ऑल्सो गो अप बाय नंबर ऑफ टाइम्स। सो दोनों चीज़ गोइंग अप बाय नंबर ऑफ टाइम्स इज नॉट सो ईजी। तो आपको वो एंगल से एनालाइज करना चाहिए कि क्या आपकी कंपनी में पोटेंशियल है क्या कि ई पी एस बढ़ेगा और पी भी बढ़ेगा। था ना एक ऐड, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपकी स्टॉक में पी एक्सपेंशन का स्कोप है। पहला क्वेश्चन ये, अगर आपके स्टॉक में पी एक्सपेंशन का स्कोप है तो ये मल्टी बैगर बन सकता है। तो क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है वाला ऐड से हर वक्त सोचे कि आपके स्टॉक में पी एक्सपेंशन का स्कोप है क्या। सर इज ग्रॉस मार्जिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो समवॉट रिलेटेड, या मतलब नहीं नो हाँ यस, मतलब बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन, मुझे भी कन्फ्यूज किया आपने हरी पनूवर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो ग्रॉस मार्जिन अगर हाई है मतलब आपके पास प्राइसिंग पावर है, राइट। प्राइसिंग पावर है आपके पास तो आपको 200 आदमी आपके रोड पे के सड़क पे आके खड़े हो गए, सर हमसे सामान ले लो हमसे सामान ले लो। ग्रॉस मार्जिन हाई माने का मतलब यू हैव प्राइसिंग पावर। इफ यू हैव प्राइसिंग पावर यू कैन डिक्टेट टर्म्स टू योर वेंडर्स। आप जिसको बेचोगे अगर आपके पास प्राइसिंग पावर है तो आप पेमेंट पावर भी है। आप बोलोगे मुझे 21 डेज में रुपए चाहिए, मुझे कैश दो वापस 21 डेज में, आई कैन नॉट लीव मनी विथ यू फॉर 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स एंड 10 मंथ्स में तक क्रेडिट नहीं दूंगा। सो प्राइसिंग पावर है, ग्रॉस मार्जिन है तो, और प्राइसिंग पावर है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ठीक होगा आपका बिकॉज पीपल विल ट्रस्ट यू मोर, तो वैसे देखना चाहिए। जिग्नेश मोरी कह रहे हैं सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन इन एनी बिजनेस मॉडल, इफ कंपनी डू केपेक्स फ्रॉम इंटरनल अक्रूअल इज इट गुड और डू इट ऑन बोरोड मनी। देखो फास्ट चलना है तो इंटरनल अक्रूअल पे करोगे तो फास्ट नहीं चल पाओगे, आपको बोरो करना होगा दौड़ना होगा। अगर आपको स्लो चलना है तो आप इंटरनल अक्रूअल पे करो। जब माइक्रोसॉफ्ट बढ़ रहा था तो मैं कहीं पढ़ा कि पॉल एलन और बिल गेट्स में बहुत डिबेट होते थे कि भाई लोन लेके चले कि नहीं। तो पॉल एलन शायद बोलता था कि लोन लेके बढ़े, बट बिल गेट्स वॉज वेरी श्योर कि शायद लोन लेके नहीं बढ़े। इधर वन ऑफ देम, आई फॉरगॉट, बहुत साल पहले किताब पढ़ा था मैंने तो उसमें लिखा हुआ था। तो अगर आप कोई कंपनी बढ़ रही है आगे उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो आप अगर लोन लेकर आगे बढ़ रहे हो, लेवरेज लेकर आगे बढ़ रहे हो तो आपका स्पीड बढ़ जाता है बढ़ने का। समटाइम्स यू हैव टू मूव वेरी फास्ट बिकॉज आप अगर जल्दी नहीं एक्सपैंड करोगे आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब से मान्यवर में 35,000 करोड़ मार्केट कैप दिखाया है अपने बिजनेस का, हर आदमी को एथनिक वेयर बेचना है। तो अब इतने जोर से कॉम्पिटिशन आ गया इंडिया में कि हर हाई स्ट्रीट की जो बढ़िया बढ़िया लोकेशंस थी सब लॉक इन कर रहा है कंपटीशन। सो इस कारण एक प्रॉब्लम और आ जाती है बिकॉज आप अगर जल्दी ग्रोथ नहीं करोगे तो आपका कंपटीशन लग जाएगा और कंपटीशन ग्रोथ करने लग जाएगा। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ स्टॉक दैट यू हैव बॉट शुड ग्रो फास्ट बाय टेकिंग डेट ऑल्सो। बिकॉज समटाइम्स हर कोई डेट कोई डर्टी फोर लेटर वर्ड नहीं है कि डेट है तो डर्टी फोर लेटर वर्ड है। डेट कई बार आपको नया भी पार लगाता है, बट हाँ यूज ज्यादा करें आप समझ नहीं पाए कितना डेट यूज करना है तो प्रॉब्लम आती है। महंत 24 कह रहे हैं 24 महंत, हाँ सर जी प्लीज टेल मी पी रेशियो एंड बुक वैल्यू कौन से मेट्रिक का वैल्यूएशन ज्यादा बताएं। ये तो हमने कर लिया भाई, सॉरी सर। टारगेट्स ऑन बैंकिंग इंडेक्स फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, क्या यार ये टारगेट वार्गेट अभी नहीं करेंगे, अभी हम लोग बिजनेस मॉडल करें। हाँ बट अगर बैंक्स को देखें तो बैंक्स कैन नॉट ग्रो फास्टर देन आरओई। आरओई बैंक्स की है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है बिकॉज बैंक्स में प्राइसिंग पावर नहीं है। आप अगर स्टेट बैंक से लोन ले रहे हो और स्टेट बैंक का जो मैनेजर है आपका पड़ोसी है और वो आपको 9.8 चार्ज कर रहा है, HDFC बैंक का जो प्रमोट जो मैनेजर है वो आपका साला है वो आपको 9.7 चार्ज कर रहा है, तो आप बोलोगे जी साला तो ठीक है साले से ही लो बिकॉज 9.7 का रेट आ रहा है, पड़ोसी तो बैठे रहो यहाँ पे। तो बैंक्स में कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, जब प्राइसिंग पावर नहीं होती है तो ग्रॉस मार्जिन नहीं होगी, मतलब बैंक्स की भाषा में स्प्रेड नहीं बनेगा। जब स्प्रेड नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली बैंक्स विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट नहीं बनेगा, निम नहीं बनेगा, नेट मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो ले देकर बैंक जो है वो 18% ग्रोथ से ज़्यादा नहीं कर सकती है। जो बैंक 35% ग्रोथ कर रही है आप पहले उस बैंक से निकल जाएं बिकॉज उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा ग्रोथ करने का मतलब कि आप कोई कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट होएगा आपका। तो बैंक निफ्टी का टारगेट अगर आप बोलेंगे तो टारगेट तो मैं नहीं दे सकता, बट नॉर्मली बैंक्स 15-18% CAGR के हिसाब से बढ़ती है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हर साल पे, तो वो हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। इथान हंट कह रहे हैं सर जी आप मेरे सवाल को लेकर थोड़ा एंटरटेनमेंट करें प्लीज। चलो जी भट्ट साहब, हंट साहब करेंगे। PSU डिफेंस में अच्छा पैसा बना हुआ है,
उसके कहाँ मूव करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी कंपनी है, उसके पास प्राइसिंग पावर भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ, आपको मजा आएगा सुनकर। आई थिंक इट वॉज 1996 जब वाजपेयी गवर्नमेंट यहाँ पे मतलब वोटेड पावर में आई, और उन्होंने आते ही मेरे पास था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 40 रुपीज़ का लिया हुआ, वो हो गया था शायद 50 के लगभग हो गया था, और उसमें तो 10-10 रुपये स्टॉक में बढ़ता था, लगता था बहुत हो गया। वहाँ पे इन्होंने किया पोखरण में एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब का इन्होंने टेस्टिंग किया, और वहाँ से एवलांच ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड सैंक्शंस फ्रॉम अमेरिका, और सैंक्शंस आया लगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मार मार के मार्केट ने कर दिया 17 रुपीज़। तो मेरा 50 रुपीज़ का स्टॉक शेयर 25-26 हुआ, तो मैंने उठा के बेच दिया। मैं बोला कि भाई बहुत हो गया, अब इसको बेच दो, बेच दिया। उसके बाद स्टॉक प्राइस हो गया 17 रुपीज़। जब 17 हो गया मैं बोला व्हाट अ ग्रेट थिंग आई डिड वाज आई जस्ट गॉट आउट ऑफ द स्टॉक, आई शुडंट हैव बीन इन द स्टॉक। आपको मैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पे आऊंगा बताऊंगा इसलिए। तो उसके बाद जब 17 हुआ, इट स्टेड एट 17 फॉर 1 ईयर आई थिंक, और 2 ईयर्स व्हाट एवर आई डोंट नो। फिर 3-4 साल बाद इसमें जब रैली स्टार्ट हुई, वहां से शायद ये स्टॉक 2000 टाइम्स गया कि 1000 टाइम्स गया, मुझे पता नहीं। सो जो स्टॉक मैं बेचा और 40% डाउनसाइड बचाया, वो स्टॉक वहां से 1000 टाइम्स बढ़ा एंड मे बी मोर देन दैट। बिकॉज आपको क्लू ही नहीं था, मुझे क्लू ही नहीं था कि यार ये सब होते रहते हैं, लाइफ में चलती रहती है, कंपनी एग्जिस्ट करेगी तो आप पैसा बनाएंगे। तो अगर आपके पास बीएसयू में, डिफेंस में, मुझे पता नहीं कौन सा स्टॉक है, अगर आपके स्टॉक के पास थोड़ा सा प्राइसिंग पावर है लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और समथिंग लाइक दैट, तो आप उसे रख सकते हैं। बाकी सब स्टॉक में मुझे लगता है कि ठीक है, चलो भाई देखा जाएगा क्या होता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, रजा अंसारी। सर इफ कंट्री इज इन इन्फ्लेशन ऑफ 90% देन इंटरेस्ट रेट इज 80-85%, वी कैन इन्वेस्ट इन डायरेक्टली FD, डेट इज वाई हसल फॉर स्टॉक मार्केट फॉर 15%। 90% इन्फ्लेशन कहाँ है यार, 90-80% इंटरेस्ट रेट। अरे भाई इंटरेस्ट रेट अगर 80%, आप वेनेजुएला और अर्जेंटीना की बात कर रहे हो, अगर 80-90% अगर आपका इंटरेस्ट रेट है, राइट, 80-90% इंटरेस्ट रेट है, तो आपका वैल्यू भी वैसे इरोड कर रहा है। एक साल के बाद 80% आपका जो परचेजिंग पावर आ रही है, वो आपकी परचेजिंग पावर इरोड भी हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इन्फ्लेशन आपका परचेजिंग पावर खत्म कर रहा है, क्योंकि आपके चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं अगले साल। तो हाई इन्फ्लेशन में तो स्टॉक्स ही ऑन करना चाहिए, कंज्यूमर बिजनेस ऑन करना चाहिए बजाय कि कुछ और, क्योंकि कंज्यूमर बिजनेस अगर आप ऑन करेंगे हाई इन्फ्लेशन में, तो वहां फिर भी प्राइसिंग पावर होगा, वहां फिर भी आप पैसे बना पाएंगे, लेकिन आप कुछ और ऑन करेंगे तो फिर उतना नहीं होगा। बालजी कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन सम ऑफ योर रीसेंट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बेटर। मिस्टेक कभी और करेंगे, अभी हम लोग कैश फ्लो बिजनेस मॉडल करें तो उसी की बात करते हैं। सर काइंडली गिव अ बुक ऑफ रिकमेंडेड बुक्स टू हेल्प टू अंडरस्टैंड बिजनेस। अरे भाई कोई टैक्सी वाले से आप ऑटो स्टैंड का रास्ता क्यों पूछ रहे हो? आप थॉटफुल इन्वेस्टर पढ़िए, बढ़िया किताब है। उसके बाद एक्चुअली मजाक की बात हो रहा है, मैंने पीछे भी लास्ट टाइम भी आपको दिया था, लास्ट टाइम जो आपने लाइव किया था तो काफ़ी किताब का रिकमेंडेशन दिया था, वो आप देख लें उसको, बट डेट इज़ हाउ इट इज़। बट बुक ज़्यादा ना पढ़ें, 10-12-15 पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उसको ध्यान से लगाकर पढ़ें, तो आई थिंक डेट इज़ मच बेटर देन गोइंग एंड रीडिंग टू मेनी बुक्स। शुभम केसरवानी कह रहे हैं सर हाउ डू वी एनालाइज इफ केपेक्स इज गोइंग टू बी इन ग्रोथ फेवर और नॉट? ROCE क्या होगा, इंक्रीमेंटल केपेक्स का कंपनी बता देगी। ROE क्या है कंपनी का, अगर कंपनी की ROE कम है तो इंक्रीमेंटल केपेक्स से कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज 15% की ROE है और केपेक्स आप लगा रहे हो इंटरेस्ट पे रुपया उठाकर, तो फायदा नहीं है। अगर आपका ROE ज्यादा है तो फिर आपको बिजनेस अच्छा होगा, तो वो परस्पेक्टिव से आपको एनालाइज करना चाहिए। पवन शेनॉय कह रहे हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर बंद कर देंगे। पवन शेनॉय कह रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। डिस्क्रिशनरी आपकी इच्छा हुई तो खरीदे, नहीं इच्छा हुई नहीं खरीदे। गाड़ी खरीदना है क्या? नहीं, 2 महीने बाद खरीदेंगे। उसके बाद डिस्क्रिशनरी में आ गया फॉर एग्जाम्पल टीवी, नहीं अभी तो टीवी चल रहा है यार, चलाओ अभी इसको। एसी अच्छा आवाज करता है थोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये सीजन निकलेगा, अगले गर्मी में फिर एसी लेंगे। कूलर अच्छा, अभी तो कूलर अच्छा चल रहा है, पानी थोड़ा ठंडा डाल दो, क्या पता कूलर भी ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्क्रिशनरी, जो आप एक्सटेंड कर सकते हो, डेफर कर सकते हो। आटा, आटा भी खाना है कि नहीं खाना है? अरे भाई रोटी खाना है कि नहीं खाना है? खाना है भाई, मर थोड़ी जाना है। तो वो हो गया स्टेपल फिक्स्ड, मतलब फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, शैम्पू आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, साबुन चाहिए कि नहीं चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए इमीडिएट चाहिए, अभी चाहिए। तो ये जो है आपको, ये होता है कि बेसिक कंज्यूमर स्टेपल, जो आपको चाहिए ही चाहिए, आज नहीं चाहिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
लेकिन गाड़ी चेंज आज नहीं करेंगे, अगले साल कर लेंगे, बाइक अगले साल ले लेंगे, टेलीविजन अगले साल ले लेंगे, मोबाइल फोन अभी तो चल रहा है, ठीक है, अच्छा है, अगले साल देखा जाएगा, तो वैसे देखना चाहिए। क्वेश्चन की तो भरमार बंद ही नहीं हो रही है। चलो भाई शुभम केसवानी, आपका ये तो हो गया, आपका क्वेश्चन कहाँ जा गया? सुखराम कह रहे हैं, सुमित सुख सॉरी सुकुमरन, सॉरी सॉरी रॉन्गली प्रोनाउंस देने सर। हाई आरओई मींस अट्रैक्टिव बिजनेस, करेक्ट, एंड विल अट्रैक्ट मोर कंपटीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। डज मार्केट साइज देन बिकम इंपॉर्टेंट फॉर हाई आरओई कंपनी? टेक एग्जांपल रिन्यूएबल ईवी सेक्टर टू एक्सप्लेन। हाई आरओई मतलब कंपटीशन आएगा, कंपटीशन आएगा तो आप अपने आप को होल्ड कैसे करोगे? आप या तो ब्रांड हो, या लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हो, या अर्ली मूवर एडवांटेज आपके पास है, या आपका कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है, या आपके पास कोई पेटेंट है, कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, या आपके पास उसका कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस है, कोई लीज है आपके पास। ये देखो, ये सब चीज़ों से आप अपने हाई आरओई को प्रोटेक्ट कर सकते हो और आप लोगों को अपने बिजनेस में आने से रोक सकते हो। अब जैसे क्या होते हैं ना, आप कभी वो लोनावला गए हो ना, तो फलाने फलाने की असली दुकान, चिक्की खाने की असली दुकान। अब जैसे जैसे आप कभी जाओ थी लड्डू, तो छोटू मोटू के असली लड्डू, असली छोटू मोटू के लड्डू, अब चार असली वाले खुल गए क्योंकि सब कॉपी कर रहे हैं उधर, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। बट क्योंकि वहाँ पे कॉपीराइट का कोई फंडा नहीं है, तो असली दुकान कौन है आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। बट ये सिचुएशन में अगर आपको ऐसा पता चले कि आरओई हाई है, तो आप सोचें ये बिजनेस का हाई आरओई कितने दिन सस्टेन करेगा। जैसे 2003 से 2008 का मैं इंफ्रा का एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रोथ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन सारे पैसे जो है नॉर्मली खत्म हो गए, बिकॉज लोग जो है वो उस ग्रोथ को सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज कैश फ्लो उनका नेगेटिव था, ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव था और ग्रोथ ज्यादा था, तो उनको फंड रेजिंग करना था, तो वो एक प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं सर। व्यू ऑन बैटरी इंडस्ट्री, सो अपन बोल रहे हैं बैटरी तो हाईली केपेक्स इंटेंसिव है, उसके बाद उसमें कोई फायदा नहीं है, बिकॉज आपके पास कॉम्पिटिशन रहेगा तो मार्जिन नहीं बनेगा, आरओई नहीं बनेगा, तो प्रॉब्लम है। चलो भाई अनुदीप जैन सर, टारगेट सीएजीआर फॉर बीएम विजन स्मॉल केस टिल 2030। नहीं दे सकते यार, नहीं दे सकते। आप मुझे मिलो, चाय पे चर्चा या कॉफी पे चर्चा, तो जरूर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट टारगेट एज पर सेबी नॉर्म्स हम नहीं दे सकते। अभी तक का जो भी रिटर्न हुआ है, हमें यही बोलना पड़ेगा ये रिटर्न हुआ, लेकिन आगे रिटर्न होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर गाइडेंस हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते टारगेट। हाँ, हमारी कंपनियां जरूर टारगेट दे देती है। वेदांता कि हमारी मतलब क्या, इंडिया की कंपनियां दे सकते हैं, प्रमोटर दे सकते हैं टारगेट। वेदांता ने बोला ही उनका $1 ट्रिलियन मार्केट कैप हो जाएगा शायद 10 साल में, तो मुझे लगता है कि अगर ये हो जाए तो इससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वेदांता का स्टॉक हर हिंदुस्तानी को ले लेना चाहिए, अपने आप नया पार लग जाएगी। हर्ष गर्ग कह रहे हैं सर, प्राज इंडस्ट्रीज बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल और इट हैज मेच्योर्ड? नहीं, एथेनॉल तो यूज है इंडिया में और एथेनॉल अभी बढ़ेगा इंडिया में, तो मुझे लगता है प्राज इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल है और ये मेच्योर वाली बात नहीं है। बट ये आपको देखना चाहिए कि प्राज इंडस्ट्री टाइप जो स्टॉक होते हैं, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उतना ही रिटर्न बनाते हैं, बिकॉज लोग घुसेंगे बिजनेस में। एथेनॉल कभी सिक्लिकल होता है, कभी नहीं होता है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उतना इसमें एडवांटेज नहीं मिलता है, बिकॉज मार्केट इसको पी ही नहीं देता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ कंपनीज। तो ये आपको उस एंगल से आपको देखना चाहिए, बट नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यही रहता है। तो यहीं तक रखते हैं, अब इसके बाद बंद करें, बिकॉज 2 घंटा हो गए, अब मुंह भी थोड़ा दर्द दे रहा है। कॉफी भी पी लेंगे, चाय भी पी लेंगे, खाना भी खा लेंगे। आप लोग भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सच ग्रेट नंबर्स। वापस हम लोग करेंगे एक सेशन, और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं इसको, अगर इंटरेस्टिंग रहा, लोग ज्यादा ज्वाइन करते रहे, तो इसको हम मंथली फीचर भी कर लेंगे कि महीने में एक बार आएंगे, एक टॉपिक लेंगे और उसको डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। थैंक यू सो मच।